हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस फिल्म के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है सेम बहादुर। इस फिल्म को कैसे और ऑफिशियली देख सकते हैं उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस, कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देंगे। फिल्म के स्टारकास्ट, स्पोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में भी बातचीत करेंगे। साथ ही में म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दी जाएगी। साथ ही में इस फिल्म से जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है, जो बातें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े जितने फैक्ट्स हैं और वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सेम बहादुर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फोर ड्रामा फिल्म है, और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर फिल्म मसल यानी सेम मनिक्स के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। उनसे इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से अलग किया गया है। एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे और ओरिजिनल से। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने, जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक दो बड़ी फिल्में भी दी हुई हैं, जहाँ पर इससे पहले उनकी छपाक आई थी, राजी आई थी, तलवार आई थी, 10 कहानी वाली फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था। स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजार और शातिन स्वान ने काम किया हुआ है। उन्होंने स्क्रू वाला ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ था। इस फिल्म को आरएस में भी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। फिल्म की लीड कास्ट में भी विकल कुशा, फातिमा सेंगमन और सानिया मोहतर देखने को मिलेंगे। टेक्निकल की टीम में सिनेमाटोग्राफी जे आई पटेल ने की हुई है, निकित बेद ने की भी है, जिन्होंने 100 का रन टाइम दिया हुआ है। फिल्म आपको 2 घंटे और 28 मिनट लंबी देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट ने किया हुआ सॉन्ग्स हैं वो शंकर सालों ने कंपोज किए हुए हैं। इसके अलावा म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक के पास अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल, जिन्होंने फिल्म मास्टर्स का रोल प्ले किया हुआ है, जो 7th आर्मी स्टार्स के। इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था निके जंगल्स का रोल था, वो जिया का बढ़िया ने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा बॉबी अरोड़ा इस फिल्म में मेजर वॉइस करके इंडियन आर्मी के तौर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम आमस बोर को तो इन्हें इसमें आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णा कांत, जिन्होंने सूबेदार का बक्सी का रोल भी प्ले किया हुआ है, धनवीर सिंह रिमंडन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अंकुर राजवीर जनरल के तौर पे भी प्ले करते हुए नजर आएंगे। और चोपड़ा ने लेफ्टिनेंट जनरल बिग मोहन का रोल प्ले किया हुआ है। सुथिंस इसमें परमा शिवा प्रभा का रोल, मंगलम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पुष्टा सिंह ब्रिगेडियर कुलमतन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जसकार सिरंग गांधी इसमें सुपॉय मेहर खान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये जो आपको कास्ट दिखाई गई है और इंडियन आर्मी में काम की हुई है, इसमें सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए हैं। जो सेम बहादुर यानी जो फैमिली है उसमें सानिया मोहतर आपको देखने को मिलेंगी, मनीष कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, उनकी वाइफ का रोल था, राजीव कौशल ने इसमें और मर्सिज मर्सर का रोल प्ले किया था, उनके फादर का रोल था। इसके अलावा प्रोड्यूस आपको हाजित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो सेम मानस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, इंडियन मिलिट्री के फ्रंट बने हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ किरदार देखने को मिलते हैं। उसमें निश्चय काबिलिस में जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनका रोल प्ले किया हुआ था। गोविंद नामदेव आपको प्ले का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। फातिमा सना शेख मैंने गांधी का रोल प्ले किया था, जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। इसके अलावा अन्य श्रीवास्तव जखमस्त राव और रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अतुल कलानी लागू कुमार आपको विकी कृष्णा के रोल में डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे।
इसके अलावा विवेक बहल ने इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है, इंडिया की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया, संजय भाई ने साकिब हुसैन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा नारायण आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी से भी कुछ किरदार देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मोमेंट्स आयु में इसमें जनरल इमरान खान जो तीसरे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे वाकिस आर्मी के, वो रोल उन्होंने प्ले किया था। मोमेंट्स ने इन्होंने जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ था जो पाकिस्तान आर्मी में थे, जो चीफ थे स्टाफ थे। इसके अलावा उपेंद्र चौहान इसमें लेफ्टिनेंट अंजन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो गवर्नर थे। रोहन वर्मन ने कैप्टन लिटल जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनीष के फ्रेंड और लिटल वन फर्स्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था। प्रीतिश राज में भी इसमें कुछ किरदार देखने को मिलेंगे। एडवर्ड सोनी इस फिल्म में लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। पॉल ऑस्नील ने जनरल डेविड का रोल प्ले किया हुआ है, जो सेंटन इन्फेंट्री डिविजन कमांडर थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। रिचर्ड मिशन इसमें कर्नल धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया हुआ जो ब्रिटिश आर्मी में थे। आपको एक किरदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेम जॉनसन हिंदी ने प्ले किया हुआ था। एडवर्ड रॉबर्टसन ने लेटन डी स्किल का रोल प्ले किया हुआ था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ये ब्रिटिश आर्मी कुछ करेक्टर्स हैं जो देखने को मिले थे। यूएसए स्टेटमेंट में दो किरदार देखने को मिले थे। रिचर्ड बक्ती क्लेन ने कैंथन कंडी का रोल प्ले किया था, यूएसए स्टैंडर्ड इंडिया में थे। जेफर गोल्डर वर्क प्लेस में हिंदी का रोल प्ले किया हुआ था, यूएसए सेक्रेटरी के रेट के तौर पर स्टेट यूएसए कुछ किरदार जो किसी नॉन ऑफिशियल का रोल प्ले किया हुआ है और किता को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटर वर्ल्ड इंपैक्ट में भी देखने को मिलता है तनाय और इसदा और जो एक ऑफिसर का रोल था। ये कुछ करेक्टर्स थे जो आपको जापानी आर्मी में भी देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में भी कुछ कास्ट थी फिल्म की जो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2017 में की गई थी, निगला गुजानी इसका आइडिया था सेम मिनिस्ट्री के ऊपर बनाने का और उन्होंने राकेश फिल्म के तौर पर बना लिया था। उन पर भी प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने जो किरदार वो बनाना चाहते थे एक्टर्स के साथ वो काफी ज्यादा एंगेज हुए हुए थे। लेटर कुछ सालों के बाद उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई थी, उसको डिवेल्प किया गया था और उसको कोलेबोरेशन किया गया राइटिंग में और उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर्स और जसमन ने मीटिंग की हुई थी, प्रॉपर खान को डेवलप किया हुआ था। उसके अलावा सेकंड कोलैबोरेशन गुलजार के साथ में की गई थी और नेशनल अनाउंसमेंट की गई थी इस प्रोडक्शन के लिए। फिल्म को 2021 में अनाउंसमेंट हुआ 107वीं बर्थ पर इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। कास्टिंग दिसंबर 2000 में बताया गया था। काफ़ी सानिया मल्होत्रा इसमें को ज्वाइन करने वाले हैं, इसके बाद उनका जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। इसके अलावा कार्निंग कास्ट ज्वाइन किया हुआ था। 22 मई 2 लहरों के लिए उन्होंने ऑफर किया गया था, जिन्होंने गुलजार के साथ सेकंड कोलैबोरेशन किया था। तलवार फिल्म के विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी और उन्होंने एक आर्मी के साथ रिंग रोल प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी, एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के लिए, क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको जो लगेज उनके करियर में आया हुआ उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट उनको लगा है। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी चीज़ें जाया जाए, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया गया है, पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई थी। 8 अगस्त 2022 को स्टार्ट की गई थी फिल्म को, तक 13 लोकेशन पर शूट किया गया था। 2 साल के अंदर जब शूट किया गया था, सेम में जितने भी उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए हुए थे और उन्होंने उसको पूर्ण
और इसने चंडीगढ़, ऊटी, कन्नौज, देहरादून, कोलकाता, प्रयागराज, श्रीराम और दिल्ली जैसे लोकेशन पर भी शूट किया गया था। 14 मार्च 2023 तक रेपअप किया गया था। उसके बाद डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था, सॉन्ग्स थे वो उनके जरिए कंपोज किए गए थे, वो गुलजार ने लिखे हुए थे। जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर था वो कृति सोडा ने कंपोज किया हुआ था। गाने थे वो शंकर सारलोई ने कंपोज किया था, जो 2022 में किया गया था। 15 मिनट के साथ जी कंपनी वालों ने राइट खरीदे हुए थे पर अपने स्टूडियो और गानों को रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 4 गाने थे, पहला था बढ़ते चलो और उन्होंने जी म्यूजिक के जरिए 13 नवंबर 2000 को रिलीज किया गया था। इसको शंकर महादेव ने, दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। जो बंदा गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पर 22 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया था। शंकर महादेव ने गाया हुआ था इतनी सी बात गाने को, घोषाल ने गाया हुआ था और आजा गाने को सिलो जहां ने गाया हुआ था। टोटल 4 गाने थे। इसकी लेंथ 15 मिनट 8 सेकेंड। वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में 27 नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर रिलीज करवाया गया था। ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन दिसंबर में किया गया था, वो 1 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2000 को ऑफिशियल प्रॉपर प्रोडक्शन के तौर पर रिलीज करवाया गया था न्यावाला। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहाँ पर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाले थे। और एनिमल के साथ ये क्लैश भी हो रही थी, ये बड़ा क्लैश भी देखने को मिला था। लेकिन उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त था। इसका जो क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से जो अच्छा रिस्पांस था, फिल्म ने सेपरेट कर टैग लिया हुआ था। डे बाय डे इसने अच्छी कलेक्शन का दिखाई भी थी, जिसके चलते इस फिल्म ने एनिमल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ शोकेस करने का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी एक सक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पर इस फिल्म ने सभी एक्टर्स से उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी। साथ साथ विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी, जिन्होंने उसने डायलॉग डिलीवरी की हुई थी, बॉडी लैंग्वेज के साथ डेवलप की हुई थी, जो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे। और उन्होंने इमोशन पैट्रियोटिज्म वाले जो फिल्म वाले क्रिएट की हुई नजर आई, उनका काम जबरदस्त था। डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था, उसमें डेप कर क्रिएट की हुई थी, उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया था वो जबरदस्त था। अलग अलग पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलते हैं जहाँ पर सभी चीज़ों को हैंडल किया गया था। टेक्निकली फिल्म वर्ल्ड में बनी हुई थी, जो कैमरा वर्क था, जिस तरह से हार्ड डायरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा भी यूज किया गया था वो भी जबरदस्त था। जिस तरह से जो किरदारों को किया गया था वो काफ़ी अच्छा था। बैकग्राउंड स्कोर अच्छे थे और सपोर्ट करते हुए नजर आते, और ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी हिट मिल गई थी, जिसके चलते क्रिटिक ऑडियंस की तरफ पॉजिटिव रिस्पांस लिया हुआ था। फिल्म ने अच्छा खासा रन भी लिया हुआ था। इस फिल्म को 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था। तब एक मिनिमम 30 करोड़ रिलीज के लिए बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी और कम स्क्रीन मिला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी ज़बरदस्त हासिल किया हुआ था और वोट हासिल हुए थे। इसमें 8.2 की रेटिंग हासिल मिली हुई थी। 10 मिनट से पहले दिन इंडिया से सिर्फ 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी। लेकिन सैटरडे के ऊपर अच्छा ग्रोथ दिखाया और जम भी देखने को मिला। 8.9 करोड़ 50 लाख का भी नेट कलेक्शन किया हुआ था। 3 दिनों के अंदर तकरीबन 24 करोड़ का नेट कलेक्शन करके इंडिया से किया हुआ था। इस फिल्म ने मंडे के दिन 3.50 करोड़ का और ट्यूजडे के दिन 35 लाख का और 3 करोड़ का और थर्सडे को 2.90 करोड़ का इसने कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते पहला वीक था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, अच्छे से हैंडल किया हुआ था। 35 करोड़ 75 लाख का था। वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम था, लेकिन एक पॉजिटिव मूव था। एनिमल जैसी बड़ी फिल्म में कलेक्शन काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया हुआ था, एक अच्छा स्टडी रन दिखाया हुआ था, जिसके चलते आगे चलकर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पर सेकंड फ्राइडे के ऊपर 3.50 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला हुआ था, सैटरडे पर उन्होंने 6.25 करोड़ का किया हुआ था। सेकंड वीक इसका 16 करोड़ का निकल के आया हुआ था। वीक डे जैसे मंडे के दिन फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था 2.25 करोड़ का और ट्यूजडे के पर, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थर्ड वीकेंड में भी 13 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। थर्ड वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा फिल्म का, और उसके बाद में इस फिल्म ने वीक डेज में भी काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। ये एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई, जिसको ओटीटी लाइट से जी नेट वालों ने खरीदे हुए थे।
ओ टी टी राइट्स है जी फाइव के पास और सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा के पास। तो फिलहाल में अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के पे इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं। सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा के ऊपर सेम बहादुर के नाम से प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर बता दें कि सेम बहादुर फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हैं जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर ये फिल्म इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आप बहादुर फिल्म आप सेम बहादुर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फोक ड्रामा फिल्म है, और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर फिल्म मसल यानी सेम मनिक्स के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। उनसे इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से अलग किया गया है। एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे और ओरिजिनल से, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने, जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करती हुई नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक दो बड़ी फिल्में भी दी हुई हैं, जहाँ पर इससे पहले उनकी छपाक आई थी, राजी आई थी, तलवार आई थी, 10 कहानी वाली फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था। स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजार और शातिन स्वान ने काम किया हुआ है। उन्होंने स्क्रू वाला ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ था। इस फिल्म को आरएस में भी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। फिल्म के लीड कास्ट में भी विवेक कुशा, फातिमा सेंगमन और सानिया मोहता देखने को मिलेंगे। टेक्निकल की टीम में सिनेमाटोग्राफी जे आई पटेल ने की हुई है, निकित बेद ने की हुई है, जिन्होंने एक सॉल्स का रन टाइम दिया हुआ है। फिल्म आपको 2 घंटे और 28 मिनट लंबी देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट ने किया हुआ सॉन्ग्स हैं वो शंकर सालों ने कंपोज किए हुए हैं। इसके अलावा म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक के पास अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल, जिन्होंने फिल्म मास्टर्स का रोल प्ले किया हुआ है, जो 7th आर्मी स्टार्स के। इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था अनिक जंगल्स का रोल था, वो जिया का बढ़िया ने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा बॉबी अरोड़ा इस फिल्म में मेजर वॉइस करके इंडियन आर्मी के तौर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आमस बोल को तो इन्हें इसमें आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णा कांत जिन्होंने सूबेदार का बख्शी का रोल भी प्ले किया हुआ है, धनवीर सिंह रिमंडन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अंकुर राजवीर जनरल के तौर पे भी प्ले करते हुए नजर आएंगे। और चोपड़ा ने लेफ्टिनेंट जनरल बिग मोहन का रोल प्ले किया हुआ है। सुशिंस इसमें परमे शिवा प्रभा का रोल, मंगलम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पुष्टा सिंह ब्रिगेडियर कुलमतन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जसकार सिरन गांधी इसमें सुपॉय मेहर खान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये जो आपको कास्ट दिखाई गई है और इंडियन आर्मी में काम की हुई है, इसमें सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए हैं। जो सेम बहादुर यानी जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेंगी, मनीष कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, उनकी वाइफ का रोल था, राजीव कौशल ने इसमें हॉल मोर्सेज मैसूर का रोल प्ले किए हुए थे, उनके फादर का रोल था। इसके अलावा प्रोड्यूस आपको हाजिद का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो सेम मानस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, इंडियन मिलिट्री के फ्रंट बने हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ किरदार देखने को मिलते हैं। उसमें निश्चय काब्रिस में जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनका रोल प्ले किया हुआ था। गोविंद नामदेव आपको प्ले का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। फातिमे सना शेख मैंने गांधी का रोल प्ले किया था जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। इसके अलावा अन्य श्रीवास्तव जखमस्त राव और रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अतुल कलानी लागू कुमार आपको विक्की कृष्णा के रोल में डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विवेक बहल ने इसमें सर्वपल्ली राधे कृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है, इंडिया की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया। संध्या राय ने साकिब हुसैन का रोल प्ले किया हुआ है।
इसके अलावा नायर आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी से भी कुछ किरदार देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मोमेंट्स आयुब में इसमें जनरल इमरान खान जो तीसरे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे वाकई आर्मी के, वो रोल उन्होंने प्ले किया था। मोमेंट्स बार ने इन्होंने जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ था जो पाकिस्तान आर्मी में थे, जो चीफ थे स्टाफ थे। इसके अलावा उपेंद्र चौहान इसमें लेफ्टिनेंट अंजन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो गवर्नर थे। रोहन वर्मन ने कैप्टन लिटल जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है जो मनीष के फ्रेंड और लिटल वन फर्स्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था। प्रीतिश राज में भी इसमें कुछ किरदार देखने को मिलेंगे। अरवर सोनी इस फिल्म में लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। पॉल ऑस्नील ने जनरल डेविड का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंटन इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। रिचर्ड मिशन इसमें कर्नल धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया हुआ जो ब्रिटिश आर्मी में थे, आपको एक किरदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेम जॉनसन हिंदी ने प्ले किया हुआ था। एडवर्ड रॉबर्टसन ने लेटेंट जी स्किल का रोल प्ले किया हुआ था जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ये ब्रिटिश आर्मी कुछ करेक्टर्स हैं जो देखने को मिले थे। यूएस स्टेटमेंट में दो किरदार देखने को मिले थे। रिचर्ड बक्टी क्लेन ने कैंथन कंडी का रोल प्ले किया था, यूएस स्टैंडर्ड इंडिया में थे। जेफर गोल्ड वर्क प्लेस में हिंदी का रोल प्ले किया हुआ था, यूएसए सेक्रेटरी के रेट के तौर पर स्टेट यूएसए। कुछ किरदार जो कि ची नॉन ऑफिशियल का रोल प्ले किया हुआ है और किता आरान को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटर वर्ल्ड इंपैक्ट में भी देखने को मिलता है तनाय और इसदा और जो एक ऑफिसर का रोल था। ये कुछ करेक्टर्स थे जो आपको जापानी आर्मी में भी देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में भी कुछ खास थी फिल्म की जो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2017 में की गई थी। निगला गुजानी इसका आइडिया था सेम मिनिस्ट के ऊपर बनाने का और उन्होंने राकेश फिल्म के तौर पर बना लिया था, उन पर भी प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने जो किरदार वो बनाना चाहते थे एक्टर्स के साथ वो काफी ज्यादा एंगेज हुए हुए थे। लेटर कुछ सालों के बाद उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई थी, उसको डिवेल्प किया गया था और उसको कोलेबोरेशन किया गया राइटिंग में और उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर्स और जसमन ने मीटिंग की हुई थी। प्रॉपर खान को डेवलप किया हुआ था। उसके अलावा सेकंड कोलैबोरेशन गुलजार के साथ में की गई थी और नेशनल अनाउंसमेंट की गई थी इस प्रोडक्शन के लिए। फिल्म को 2021 में अनाउंसमेंट हुआ 107वीं बर्थ पर। इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, कास्टिंग दिसंबर 2000 में बताया गया था। काफ़ी सानिया मल्होत्रा इसमें को ज्वाइन करने वाले हैं, इसके बाद उनका जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। इसके अलावा कामिन कास्ट ज्वाइन किया हुआ था। 22 मई दो लहरों के लिए उन्होंने ऑफर किया गया था, जिन्होंने गुलजार के साथ सेकंड कोलैबोरेशन किया था। तलवार फिल्म के विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी और उन्होंने एक आर्मी के साथ रिंग रोल प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी, एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के लिए, क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको जो लगेज उनके करियर में आया हुआ उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट उनको लगा है। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी चीज़ें जाया जाए, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया गया है, पर्सनल थे उनको ही लेकर उन फिल्म की शूटिंग की गई थी। 8 अगस्त 2022 को स्टार्ट की गई थी फिल्म को, तक 13 लोकेशन पर शूट किया गया था। 2 साल के अंदर जैक शूट किया गया था। सेम में जितने भी उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए हुए थे और उन्होंने उसको पूर्ण और इसने चंडीगढ़, ऊटी, कन्नौर, देहरादून, कोलकाता, प्रयागराज, श्रीराम और दिल्ली जैसे लोकेशन पर भी शूट किया गया था। 14 मार्च 2023 तक रैपअप किया गया था। उसके बाद डबिंग, मिस्टिंग, मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था, सॉन्ग्स थे वो उनके जरिए कंपोज किए गए थे, वो गुलजार ने लिखे हुए थे। जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर था वो कृति सोना ने कंपोज किया हुआ था। गाने थे वो शंकर सारलोई ने कंपोज किया था, जो 2022 में
किया गया था 15 मिलियन के साथ। जी कंपनी वालों ने राइट खरीदे हुए थे पर अपने स्टूडियो और गानों को रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 4 गाने थे, पहला था बढ़ते चलो और उन्होंने जी म्यूजिक के जरिए 13 नवंबर 2000 को रिलीज किया गया था। इसको शंकर महादेव ने दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। जो बंदा गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पर 22 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया था। शंकर महादेव ने गाया हुआ था इतनी सी बात गाने को घोषाल ने गाया हुआ था और आजा गाने को सिलो जहां ने गाया हुआ था। टोटल 4 गाने थे। इसकी लेंथ 15 मिनट 8 सेकेंड। वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में 27 नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर रिलीज करवाया गया था। ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन दिसंबर में किया गया था, वो 1 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2000 को ऑफिशियल प्रॉपर प्रोडक्शन के तौर पर रिलीज करवाया गया था नियावाला। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहाँ पर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाले थे। और एनिमल के साथ ये क्लैश भी हो रही थी, ये बड़ा क्लैश भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त था। इसका जो क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से जो अच्छा रिस्पांस था, फिल्म ने सुपरहिट का टैग लिया हुआ था। डे बाय डे इसने अच्छी कलेक्शन का दिखाई हुई थी, जिसके चलते इस फिल्म ने एनिमल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ शोकेस करने का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी एक सक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पर इस फिल्म ने सभी एक्टर्स से उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी, साथ साथ विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी, जिन्होंने उसने डायलॉग डिलीवरी की हुई थी, बॉडी लैंग्वेज के साथ डेवलप की हुई थी, जो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे और उन्होंने इमोशन पेट्रियोटिज्म वाले जो फिल्मों वाली क्रिएट की हुई नजर आई, उनका काम जबरदस्त था। डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था, उसमें डीप क्रिएट की हुई थी, उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया था वो जबरदस्त था। अलग अलग पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलते हैं जहाँ पर सभी चीज़ों को हैंडल किया गया था। टेक्निकली फिल्म वर्ल्ड में बनी हुई थी, जो कैमरा वर्क था, जिस तरह से हार्ड डायरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा वीक यूज किया गया था वो भी जबरदस्त था। जिस तरह से जो किरदारों को किया गया था वो काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड स्कोर अच्छे थे और सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी हिट में गई थी, जिसके चलते क्रिटिक ऑडियंस की तरफ पॉजिटिव रिस्पांस लिया हुआ था। फिल्म ने अच्छा खासा रन भी लिया हुआ था। इस फिल्म को 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था, तब एक मिनिमम 30 करोड़ रिलीज के लिए बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी और कम स्क्रीन मिले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी ज़बरदस्त हासिल किया हुआ था और वोट हासिल हुए थे। इसमें 8.2 की रेटिंग हासिल मिली हुई थी। 10 में से पहले दिन इंडिया से सिर्फ 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन सैटरडे के ऊपर अच्छा ग्रोथ दिखाया और जम भी देखने को मिला। 8.9 करोड़ 50 लाख का भी नेट कलेक्शन किया हुआ था। 3 दिनों के अंदर तकरीबन 24 करोड़ का नेट कलेक्शन करके इंडिया से किया हुआ था। इस फिल्म ने मंडे के दिन 3.50 करोड़ का और ट्यूजडे के दिन 35 लाख का और 3 करोड़ का और थर्सडे को 2.90 करोड़ का इसने कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते पहला वीक था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, अच्छे से हैंडल किया हुआ था, 30.75 करोड़ का था। वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम था, लेकिन एक पॉजिटिव मूव था, एनिमल जैसी बड़ी फिल्म में कलेक्शन काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया हुआ था, एक अच्छा स्टडी रन दिखाया हुआ था, जिसके चलते आगे चलकर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहाँ पर सेकंड फ्राइडे के ऊपर 3.50 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला हुआ था। सैटरडे पर उन्होंने 6.25 करोड़ का किया हुआ था। सेकंड वीक इसका 16 करोड़ का निकल के आया हुआ था। वीक डे जैसे मंडे के दिन फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था 2.25 करोड़ का और ट्यूजडे के पर, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थर्ड वीकेंड में भी 13 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। थर्ड वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा फिल्म का और उसके बाद में इस फिल्म ने वीक डेज में भी काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। ये एक सक्सेसफुल सामने थी, जिसको OTT राइट्स से जी नेट वालों ने खरीदे हुए थे। OTT राइट्स से जी फाइव के पास और सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा के पास। तो फिलहाल में अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जी फाइव OTT प्लेटफॉर्म के पे इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं। सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा के ऊपर सेम बहादुर के नाम से प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर बता दें कि सेम बहादुर फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हैं Z5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आप
बहादुर फिल्म आपको एंजॉय कर सेम बहादुर को एंजॉय कर पाएंगे। सेम बहादुर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फोक ड्रामा फिल्म है, और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर फिल्म मसल यानी सेम मनिक्स के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। उनसे इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से अलग किया गया है। एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे और ओरिजिनल से। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने, जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक दो बड़ी फिल्में भी दी हुई हैं, जहाँ पर इससे पहले उनकी छपाक आई थी, राजी आई थी, तलवार आई थी, 10 कहानी वाली फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था। स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग की और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजार और शातिर ने स्वान ने काम किया हुआ है। उन्होंने स्क्रू वाला ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ था। इस फिल्म को आरिस में भी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। फिल्म की लीड कास्ट में भी विकर कोशा, फातिमा सेंगमन और सानिया मोहता देखने को मिलेंगे। टेक्निकल की टीम में सिनेमाटोग्राफी जे आई पटेल ने की हुई है, निकित बेद ने की हुई है, जिन्होंने 100 का रन टाइम दिया हुआ है। फिल्म आपको 2 घंटे और 28 मिनट लंबी देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट ने किया हुआ है, सॉन्ग्स हैं वो शंकर सालों ने कंपोज किए हुए हैं। इसके अलावा म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक के पास अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल, जिन्होंने फिल्म मास्टर्स का रोल प्ले किया हुआ है, जो 7th आर्मी स्टार्स के। इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था अनिक जंगल्स का रोल था, वो जिया का बढ़िया ने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा बॉबी अरोड़ा इस फिल्म में मेजर वॉइस करके इंडियन आर्मी के तौर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आमस बोर को तो इन्हें इसमें आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णा कांत, जिन्होंने सूबेदार का बख्शी का रोल भी प्ले किया हुआ है, धनवीर सिंह रिमंदन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अंकुर राजवीर जनरल के तौर पे भी प्ले करते हुए नजर आएंगे। और चोपड़ा ने लेफ्टिनेंट जनरल बिग मोहन का रोल प्ले किया हुआ है। सुतेंद्र इसमें परमा शिवा प्रभा का रोल, मंगलम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पुष्टा सिंह ब्रिगेडियर कुलमतन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जसका सिरंग गांधी इसमें सुकवाय मेहर खान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये जो आपको कास्ट दिखाई गई है और इंडियन आर्मी में काम की हुई है, इसमें सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए हैं। जो सेम बहादुर यानी जो फैमिली है उसमें सानिया मोहता आपको देखने को मिलेंगी, मनीष कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, उनकी वाइफ का रोल था, राजीव कौशल ने इसमें और मोर्शिद मसूर का रोल प्ले किया करते हुए उनके फादर का रोल था। इसके अलावा प्रोड्यूस आपको हाजिद का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो सेमानी सर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, इंडियन मिलिट्री के फ्रंट बने हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ किरदार देखने को मिलते हैं। उसमें काबिज में जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनका रोल प्ले किया था, गोविंद नामदेव आपको प्ले का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फातिमा सना शेख, मैंने गांधी का रोल प्ले किया था जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। इसके अलावा अन्य श्रीवास्तव जखमस्त राव और रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अतुल कलन लागू कुमार आपको विकी कृष्णा के रोल में डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विवेक बहल ने इसमें सर्वपल्ली राधे कृष्ण का रोल प्ले किया हुआ है, इंडिया की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया, संजय राय ने साकिब हुसैन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा नारायण आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी से भी कुछ किरदार देखने को मिलेंगे, जहां पर मोमेंट्स आयु में इसमें जनरल इमरान खान जो तीसरे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे वाकिस आर्मी के, वो रोल उन्होंने प्ले किया था। मोमेंट्स बॉर्न ने इन्होंने जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ था, जो पाकिस्तान आर्मी में थे, जो चीफ थे स्टाफ थे। इसके अलावा उपन चौहान इसमें लेफ्टिनेंट अंजन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो गवर्नर थे। रोहन वर्मन ने कैप्टन लिटल
जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनीष के फ्रेंड और लीडर ऑन फ्रेश पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था। प्रीतिश राज में भी इसमें कुछ किरदार देखने को मिलेंगे। अजय सोनी इस फिल्म में लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। पॉल ओसनील ने जनरल डेविड का रोल प्ले किया हुआ है, जो सेंटन इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। रिचर्ड मिशन इसमें कर्नल धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया हुआ है, जो ब्रिटिश आर्मी में थे। आपको एक किरदार देखने को मिलेगा ओवरऑल सेम जोनीसन हेनरी ने प्ले किया हुआ था। एडवर्ड रॉबर्टसन ने लेटन डी स्किल का रोल प्ले किया हुआ था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ये ब्रिटिश आर्मी कुछ करेक्टर्स हैं जो देखने को मिले थे। यूएसए स्टेटमेंट में दो किरदार देखने को मिले थे। रिचर्ड बकली क्लेन ने कैप्टन कैंडी का रोल प्ले किया था, यूएसए स्टैंडर्ड इंडिया में थे। जेफर गोल्डर वर्क प्लेस में हिंदी का रोल प्ले किया हुआ था, यूएसए सेक्रेटरी के रेट के तौर पर स्टेट यूएसए। कुछ किरदार जो किसी नॉन ऑफिशियल का रोल प्ले किया हुआ है, और किता आरान को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटरकोर्ड इंपैक्ट में भी देखने को मिलता है तनाय और इसदा, और जो एक ऑफिसर का रोल था। ये कुछ करेक्टर्स थे जो आपको जापानी आर्मी में भी देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में भी कुछ खास थी फिल्म की, जो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2017 में की गई थी। निगला गुजानी इसका आइडिया था सेम मिनिस्ट्री के ऊपर बनाने का, और उन्होंने राकेश फिल्म के तौर पर बना लिया था। उन पर भी प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने जो किरदार वो बनाना चाहते थे एक्टर्स के साथ वो काफी ज्यादा एंगेज हुए हुए थे। लेटर कुछ सालों के बाद उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई थी, उसको डिवेल्प किया गया था और उसको कोलेब्रेशन किया गया राइटिंग में। और उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर्स और जसमान ने मीटिंग की हुई थी, प्रॉपर खान को डेवलप किया हुआ था। उसके अलावा सेकंड कोलैबोरेशन गुलजार के साथ में की गई थी और नेशनल अनाउंसमेंट की गई थी इस प्रोडक्शन के लिए। फिल्म को 2021 में अनाउंसमेंट हुआ 107वीं बर्थ पर इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। कास्टिंग दिसंबर 2000 में बताया गया था। काफ़ी सानिया मल्होत्रा इसमें को ज्वाइन करने वाले हैं, इसके बाद उनका जो एक दूसरे के साथ कोलेब्रेशन होने वाला है। इसके अलावा कार्निंग कास्ट ज्वाइन किया हुआ था। 22 मई 2 लहरों के लिए उन्होंने ऑफर किया गया था, जिन्होंने गुलजार के साथ सेकंड कोलेब्रेशन किया था। तलवार फिल्म के लिए विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी, और उन्होंने एक आर्मी के साथ रिंग रोल प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी, एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के लिए। क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको जो लगेज उनके करियर में आया हुआ उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट उनको लगा है, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी चीज़ें जाया जाए, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया गया है, पर्सनल थे उनको ही लेकर उन फिल्म की शूटिंग की गई थी। 8 अगस्त 2022 को स्टार्ट की गई थी फिल्म को, तक 13 लोकेशन पर शूट किया गया था। 2 साल के अंदर जब शूट किया गया था सेम में जितने भी उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए हुए थे, और उन्होंने उसको पूर्ण और इसने चंडीगढ़, ऊटी, कन्नौर, देहरादून, कोलकाता, प्रयागराज, श्रीराम और दिल्ली जैसे लोकेशन पर भी शूट किया गया था। 14 मार्च 2023 तक रेपअप किया गया था। उसके बाद डबिंग, मिस्टिंग, मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था, सॉन्ग्स थे वो उनके जरिए कंपोज किए गए थे, वो गुलजार ने लिखे हुए थे। जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर था वो कृति सोना ने कंपोज किया हुआ था। गाने थे वो शंकर सारलोई ने कंपोज किया था, जो 2022 में किया गया था 15 मिनट के साथ। जी कंपनी वालों ने राइट खरीदे हुए थे परमानेंट स्टूडियो, और गानों को रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 4 गाने थे, पहला था बढ़ते चलो, और उन्होंने जी म्यूजिक के जरिए 13 नवंबर 2000 को रिलीज किया गया था। इसको शंकर महादेव ने दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। जो बंदा गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पर 22 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया था। शंकर मार्टिन ने गाया हुआ था इतनी सी बात गाने को, घोषाल ने गाया हुआ था और आजा गाने को सिलो जहान ने गाया हुआ था। टोटल 4 गाने थे। इसकी लेंथ 15 मिनट 8 सेकंड
वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में 27 नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर रिलीज करवाया गया था। ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन दिसंबर में किया गया था, वो 1 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था, 13 अक्टूबर 2000 को ऑफिशियल प्रॉपर प्रोडक्शन के तौर पर रिलीज करवाया गया था न्यावाला। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहाँ पर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी। और एनिमल के साथ ये क्लैश भी हो रही थी, ये बड़ा क्लैश भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ ज़बरदस्त था। इसका जो क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से जो अच्छा रिस्पांस था, फिल्म ने सुपरहिट का टैग लिया हुआ था, डे बाय डे इसने अच्छी कलेक्शन का दिखाई भी थी, जिसके चलते इस फिल्म ने एनिमल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ शोकेस करने का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी एक सक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पर इस फिल्म ने सभी एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी, साथ साथ विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी, जिन्होंने उसने डायलॉग डिलीवरी की हुई थी, बॉडी लैंग्वेज के साथ डेवलप की हुई थी, जो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे, और उन्होंने मोशन पोर्ट्रेटिज्म वाले जो फिल्मों वाले क्रिएट की हुई नजर आई, उनका काम जबरदस्त था। डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था, उसमें डेप कर क्रिएट की हुई थी, उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया था वो जबरदस्त था। अलग अलग पोर्टिकल एंगल देखने को मिलते हैं जहाँ पर सभी चीज़ों को हैंडल किया गया था। टेक्निकली फिल्म वर्ल्ड में बनी हुई थी, जो कैमरा वर्क था, जिस तरह से हार्ड डायरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा भी यूज किया गया था वो भी ज़बरदस्त था। जिस तरह से जो किरदारों को किया गया था वो काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड स्कोर अच्छे थे और सपोर्ट करते हुए नजर आते, और ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी हिट में गई थी, जिसके चलते क्रिटिक ऑडियंस की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया हुआ था। फिल्म ने अच्छा खासा रन भी लिया हुआ था। इस फिल्म को 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था, तब एक मिनिमम 30 करोड़ रिलीज के लिए बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी और कम स्क्रीन मिले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी ज़बरदस्त हासिल किया हुआ था और वोट हासिल हुए थे। इसमें 8.2 की रेटिंग हासिल मिली हुई थी। 10वें से पहले दिन इंडिया से सिर्फ 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, जो कि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन सैटरडे के ऊपर अच्छा ग्रोथ दिखाया और जम भी देखने को मिला, 8.9 करोड़ 50 लाख का भी नेट कलेक्शन किया हुआ था। 3 दिनों के अंदर तकरीबन 24 करोड़ का नेट कलेक्शन करके इंडिया से किया हुआ था। इस फिल्म ने मंडे के दिन 3.50 करोड़ का और ट्यूजडे के दिन 35 लाख का और 3 करोड़ का और थर्सडे को 2.90 करोड़ का इसने कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते पहला वीक था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, अच्छे से हैंडल किया हुआ था, 35 करोड़ 75 लाख का था। वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम था, लेकिन एक पॉजिटिव माउथ था, एनिमल जैसी बड़ी फिल्म में कलेक्शन काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया हुआ था, एक अच्छा स्टडी रन दिखाया हुआ था, जिसके चलते आगे चलकर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहाँ पर सेकंड फ्राइडे के ऊपर 3.50 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला हुआ था, सैटरडे पर उन्होंने 6.25 करोड़ का किया हुआ था, सेकंड वीक इसका 16 करोड़ का निकल के आया हुआ था। वीकडे जैसे मंडे के दिन फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था 2.25 करोड़ का और ट्यूजडे के पर, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थर्ड वीकेंड में भी 13 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। थर्ड वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा फिल्म का, और उसके बाद में इस फिल्म ने वीकडेज में भी काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। ये एक सक्सेसफुल सामने थी, जिसको OTT राइट्स से जी नेट वालों ने खरीदे हुए थे, OTT राइट्स से Z5 के पास और सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा के पास। तो फिलहाल में अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो Z5 OTT प्लेटफॉर्म के इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं। सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा के ऊपर सेम बहादुर के नाम से प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर बता दें कि सेम बहादुर फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हैं Z5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आप बहादुर फिल्म आपको इंजॉय कर सेम बहादुर को इंजॉय कर पाएंगे। सेम बहादुर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फोक ड्रामा फिल्म है, और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर फिल्म मसल यानी सेम मनिक्स के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। उनसे इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से अलग किया गया है। एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे ओरिजिनल से। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है
मेघना गुलजार ने, जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक दो बड़ी फिल्में भी दी हुई हैं, जहाँ पर इससे पहले उनकी छपाक आई थी, राजी आई थी, तलवार आई थी, 10 कहानी वाली फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था। स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजार और शातिर स्वान ने काम किया हुआ है। उन्होंने स्क्रू वाला ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ था। इस फिल्म को आरएस में भी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। फिल्म की लीड कास्ट में भी विकी कौशल, फातिमा सेगमन और सानिया मोहतर देखने को मिलेंगे। टेक्निकल की टीम में सिनेमाटोग्राफी जे आई पटेल ने की हुई है, निकित बेद ने की हुई है, जिन्होंने 100 का रन टाइम दिया हुआ है। फिल्म आपको 2 घंटे और 28 मिनट लंबी देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट ने किया हुआ है, सॉन्ग्स हैं वो शंकर सालो ने कंपोज किए हुए हैं। इसके अलावा म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक के पास अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल, जिन्होंने फिल्म मास्टर्स का रोल प्ले किया हुआ है, जो 7th आर्मी स्टार्स के। इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था निकेश जंगल्स का रोल था, वो जिया का बढ़िया ने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा बॉबी अरोड़ा इस फिल्म में मेजर वॉइस करके इंडियन आर्मी के तौर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अमित बोर को तो इन्हें इसमें आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णा कांत, जिन्होंने सूबेदार का बख्शी का रोल भी प्ले किया हुआ है, धनवीर सिंह रिमंडन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अंकुर राजवीर जनरल के तौर पे भी प्ले करते हुए नजर आएंगे। और चोपड़ा ने लेफ्टिनेंट जनरल बिग मोहन का रोल प्ले किया हुआ है। सुशिंस इसमें परमे शिवा प्रभाग का रोल, मंगलम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पुष्टा सिंह सिंह ब्रिगेडियर कुलमतन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जसकार सिरन गांधी इसमें सुपॉय मेहर खान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये जो आपको कास्ट दिखाई गई है और इंडियन आर्मी में काम की हुई है, इसमें सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए हैं। जो सेम बहादुर यानी जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेंगी, मनीष कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, उनकी वाइफ का रोल था। राजीव कौशल ने इसमें हॉल मोर्सिज मैसूर का रोल प्ले किया था, उनके फादर का रोल था। इसके अलावा प्रोड्यूस आपको हारजीत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो सेम मानस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, इंडियन मिलिट्री के फ्रंट बने हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ किरदार देखने को मिलते हैं। उसमें निश्चय काबलिस में जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनका रोल प्ले किया हुआ था। गोविंद नामदेव आपको प्ले का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। फातिमे सना शेख मैंने गांधी का रोल प्ले किया था, जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर की इंडिया की। इसके अलावा अन्य श्रीवास्तव जखमस्त राव और रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अतुल कलानी लागू कुमार आपको विकी कृष्णा के रोल में डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विवेक बहल ने इसमें सर्वपल्ली राधे कृष्ण का रोल प्ले किया हुआ है, इंडिया की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया, संध्या रॉय ने साकिब हुसैन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा नारायण आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी से भी कुछ किरदार देखने को मिलेंगे, जहां पर मोमन आयु में इसमें जनरल इमरान खान जो तीसरे पाकिस्तान के और पांचवे कमांडर इन चीफ थे वाकिस आर्मी के, वो रोल उन्होंने प्ले किया था। मोमेंस बार ने इन्होंने जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ था, जो पाकिस्तान आर्मी में थे, जो चीफ थे स्टाफ थे। इसके अलावा उपेंद्र चौहान इसमें लेफ्टिनेंट अंजन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो गवर्नर थे। रोहन वर्मन ने कैप्टन लिटल जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनीष के फ्रेंड और लिटल वन फ्रेश पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था। प्रीतिश राज में भी इसमें कुछ किरदार देखने को मिलेंगे। अजय सोनी इस फिल्म में लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है, जो कर्नल जंगल थे इंडिया के। पॉल ऑस्नील ने जनरल डेविड का रोल प्ले किया हुआ है, जो सेंटन इन्फेंट्री डिविजन कमांडर थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। रिचर्ड मिशन इसमें
कर्ण धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया हुआ जो ब्रिटिश आर्मी में थे, आपको ये किरदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेम जोनी सेन हिंदी ने प्ले किया हुआ था, एडवर्ड रोबेसन ने लियोटन जी स्किल का रोल प्ले किया हुआ था जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ये ब्रिटिश आर्मी कुछ करेक्टर्स हैं जो देखने को मिले थे। यूएसए स्टेटमेंट में दो किरदार देखने को मिले थे, रिचर्ड बक्सी क्लेन ने कैंथन कंडी का रोल प्ले किया था, यूएसए स्टैंडर्ड इंडिया में थे। जेफरी गोल्डर वर्क प्लेस में हिंदी का रोल प्ले किया हुआ था यूएसए सेक्रेटरी के तौर पर, स्टेट यूएसए कुछ किरदार जो किसी नॉन ऑफिशियल का रोल प्ले किया हुआ है, और किता आरान को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटर वर्ल्ड इंपैक्ट में भी देखने को मिलता है तनाय और इसदा, और जो एक ऑफिसर का रोल था। ये कुछ करेक्टर्स थे जो आपको जापानी आर्मी में भी देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में भी कुछ खास थी फिल्म की जो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2017 में की गई थी, निगला गुजानी इसका आइडिया था सेम मिनिस्ट्री के ऊपर बनाने का, और उन्होंने राकेश फिल्म के तौर पर बना लिया था। उन पर भी प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने जो किरदार वो बनाना चाहते थे एक्टर्स के साथ वो काफी ज्यादा एंगेज हुए हुए थे। लेटर कुछ सालों के बाद उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई थी, उसको डेवलप किया गया था और उसको कोलेबोरेशन किया गया राइटिंग में, और उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर्स और जैसमान ने मीटिंग की हुई थी, प्रॉपर खान को डेवलप किया हुआ था। उसके अलावा सेकंड कोलैबोरेशन गुलजार के साथ में की गई थी और नेशनल अनाउंसमेंट की गई थी इस प्रोडक्शन के लिए। फिल्म को 2021 में अनाउंसमेंट हुआ 107वीं बर्थ पर इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। कास्टिंग दिसंबर 2000 में बताया गया था। काफ़ी सानिया मल्होत्रा इसमें को ज्वाइन करने वाले हैं, इसके बाद उनका जो एक दूसरे के साथ कोलेब्रेशन होने वाला है। इसके अलावा कामिन कास्ट ज्वाइन किया हुआ था। 22 मई 2 लहरों के लिए उन्होंने ऑफर किया गया था, जिन्होंने गुलजार के साथ सेकंड कोलेब्रेशन किया था। तलवार फिल्म के विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी और उन्होंने एक आर्मी के साथ रिंग रोल प्रॉपर गाइडनेस ली हुई थी, एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के लिए, क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको जो लगेज उनके करियर में आया हुआ उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट उनको लगा है, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी चीज़ें जाया जाए, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया गया है, पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई थी। 8 अगस्त 2022 को स्टार्ट की गई थी फिल्म को, तक 13 लोकेशन पर शूट किया गया था। 2 साल के अंदर जब शूट किया गया था सेम में जितने भी उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए हुए थे, और उन्होंने उसको पुणे और इसने चंडीगढ़, ऊटी, कन्नौर, देहरादून, कोलकाता, प्रयागराज, श्रीराम और दिल्ली जैसे लोकेशन पर भी शूट किया गया था। 14 मार्च 2023 तक रैपअप किया गया था। उसके बाद डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था, सॉन्ग्स थे वो उनके जरिए कंपोज किए गए थे, वो गुलजार ने लिखे हुए थे। जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर था वो कृति सोडा ने कंपोज किया हुआ था, गाने थे वो शंकर सारलोई ने कंपोज किया था जो 2022 में किया गया था। 15 मिनट के साथ जी कंपनी वालों ने राइट खरीदे हुए थे, परमानेंट स्टूडियो और गानों को रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 4 गाने थे, पहला था बढ़ते चलो और उन्होंने जी म्यूजिक के जरिए 13 नवंबर 2000 को रिलीज किया गया था। इसको शंकर महादेव ने दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। जो बंदा गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पर 22 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया था, शंकर मार्टिन ने गाया हुआ था। इतनी सी बात गाने को गोशाल ने गाया हुआ था और आजा गाने को सिलो जहां ने गाया हुआ था। टोटल 4 गाने थे। इसकी लेंथ 15 मिनट 8 सेकंड, स्टूडियो ऑडियो फॉर्मेट में 27 नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर रिलीज करवाया गया था। ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन दिसंबर में किया गया था, वो 1 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था, 13 अक्टूबर 2000 को ऑफिशियल प्रॉपर प्रोडक्शन के तौर पर रिलीज करवाया गया था निवाला। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहां पर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाले थे, और एनिमल के साथ ये क्लैश भी हो रही थी, बड़ा क्लैश भी देखने को मिला था। लेकिन उसके बावजूद
फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त था। इसका जो क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से जो अच्छा रिस्पांस था, फिल्म ने सुपरहिट का टैग लिया हुआ था। डे बाय डे इसने अच्छी कलेक्शन का दिखाई भी थी, जिसके चलते इस फिल्म ने एनिमल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ शोकेस करने का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी एक सक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पर इस फिल्म ने सभी एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी, साथ साथ विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी, जिन्होंने उसने डायलॉग डिलीवरी की हुई थी, बॉडी लैंग्वेज के साथ डेवलप की हुई थी, जो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे, और उन्होंने मोशन पैट्रियटिज्म वाले जो फिल्मों वाली क्रिएट की हुई नजर आई, उनका काम जबरदस्त था। डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था, उसमें डेप कर क्रिएट की हुई थी, उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया था वो जबरदस्त था। अलग अलग पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलते हैं जहाँ पर सभी चीज़ों को हैंडल किया गया था। टेक्निकली फिल्म वर्ल्ड में बनी हुई थी, जो कैमरा वर्क था, जिस तरह से हार्ड डायरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा भी यूज किया गया था वो भी जबरदस्त था। जिस तरह से जो किरदारों को किया गया था वो काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड स्कोर अच्छे थे और सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी हिट में गई थी, जिसके चलते क्रिटिक ऑडियंस की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया हुआ था। फिल्म ने अच्छा खासा रन भी लिया हुआ था। इस फिल्म को 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था, तब एक मिनिमम 30 करोड़ रिलीज के लिए बड़ी फिल्म के साथ रिलीज हो रही थी और कम स्क्रीन मिले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी ज़बरदस्त हासिल किया हुआ था और वोट हासिल हुए थे। इसमें 8.2 की रेटिंग हासिल मिली हुई थी। 10 से पहले दिन इंडिया से सिर्फ 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, जो कि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन सैटरडे के ऊपर अच्छा ग्रोथ दिखाया और जम भी देखने को मिला। 8.9 करोड़ 50 लाख का भी नेट कलेक्शन किया हुआ था। 3 दिनों के अंदर तकरीबन 24 करोड़ का नेट कलेक्शन करके इंडिया से किया हुआ था। इस फिल्म ने मंडे के दिन 3.50 करोड़ का और ट्यूजडे के दिन 35 लाख का और 3 करोड़ का और थर्सडे को 2.90 करोड़ का इसने कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते पहला वीक था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, अच्छे से हैंडल किया हुआ था। 35 करोड़ 75 लाख का था। वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम था, लेकिन एक पॉजिटिव मूव था, एनिमल जैसी बड़ी फिल्म में कलेक्शन काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया हुआ था, एक अच्छा स्टडी रन दिखाया हुआ था, जिसके चलते आगे चलकर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहाँ पर सेकंड फ्राइडे के ऊपर 3.50 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला हुआ था। सैटरडे पर उन्होंने 6.25 करोड़ का किया हुआ था। सेकंड वीक इसका 16 करोड़ का निकल के आया हुआ था। वीक डे जैसे मंडे के दिन फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था 2.25 करोड़ का और ट्यूजडे के पर, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थर्ड वीकेंड में भी 13 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। थर्ड वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा फिल्म का, और उसके बाद में इस फिल्म ने वीक डेज में भी काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। ये एक सक्सेसफुल सामने थे, जिसको OTT राइट्स से जी नेट वालों ने खरीदे हुए थे, OTT राइट्स से जी फाइव के पास और सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा के पास। तो फिलहाल में अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जी फाइव OTT प्लेटफॉर्म के पे इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं। सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा के ऊपर सेम बहादुर के नाम से प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर बता दें कि सेम बहादुर फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हैं Z5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आप बहादुर फिल्म आपको इंजॉय कर सेम बहादुर को इंजॉय कर पाएंगे। सेम बहादुर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फोक ड्रामा फिल्म है, और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर फिल्म मसल यानी सेम मनिक्स के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। उनसे इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से अलग किया गया है। एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे और ओरिजिनल से, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने, जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक दो बड़ी फिल्में भी दी हुई हैं, जहाँ पर इससे पहले उनकी छपाक आई थी, राजी आई थी, तलवार आई थी, 10 कहानी वाली फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था। स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग की और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजार और शातिर ने स्वान ने काम किया हुआ है। उन्होंने स्क्रू वाला ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है।
फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ था। इस फिल्म को आरएस में भी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। फिल्म के लीड कास्ट में भी विवेक कोश्यारी, फातिमा सेगमन और सानिया मोहतर देखने को मिलेंगे। टेक्निकल की टीम में सिनेमाटोग्राफी जे आई पटेल ने की हुई है, निकित बेद ने की हुई है, जिन्होंने एक सॉल्स का रन टाइम दिया हुआ है। फिल्म आपको 2 घंटे और 28 मिनट लंबी देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट ने किया हुआ सॉन्ग्स हैं वो शंकर सालों ने कंपोज किए हुए हैं। इसके अलावा म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक के पास अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल, जिन्होंने फिल्म मास्टर्स का रोल प्ले किया हुआ है, जो 7th आर्मी स्टार्स के। इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था निक जंगस का रोल था, वो जिया का बढ़िया ने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा बॉबी अरोड़ा इस फिल्म में मेजर ओएस करके इंडियन आर्मी के तौर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आमिर बोर को तो इन्हें इसमें आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णा कांत, जिन्होंने सूबेदार का बख्शी का रोल भी प्ले किया हुआ है, धनवीर सिंह रिमंदन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अंकुर राजवीर जनरल के तौर पे भी प्ले करते हुए नजर आएंगे। और चोपड़ा ने लेफ्टिनेंट जनरल बिग बॉहन का रोल प्ले किया हुआ है। सुतिन इसमें परम शिवा प्रभा का रोल, मंगलम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पुष्टा सिंह सिंह ब्रिगेडियर कुलमतन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जसकार सिरंग गांधी इसमें सुखवाय मेहर खान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये जो आपको कास्ट दिखाई गई है और इंडियन आर्मी में काम की हुई है, इसमें सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए हैं। जो सेम बहादुर यानी जो फैमिली है उसमें सानिया मोहतर आपको देखने को मिलेंगी, मनीष कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, उनकी वाइफ का रोल था। राजीव कौशल ने इसमें और मोहसिज मैसूर का रोल प्ले किया हुआ था, उनके फादर का रोल था। इसके अलावा प्रोड्यूस आपको हाजिद का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो सेमानस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, इंडियन मिलिट्री के फ्रंट बने हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ किरदार देखने को मिलते हैं। उसमें निश्चय काब्जिस में जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनका रोल प्ले किया हुआ था, गोविंद नामदेव आपको प्ले का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फातमे सना से एक मैंने गांधी का रोल प्ले किया था, जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। इसके अलावा अन्य श्रीवास्तव जखमस्त राव और रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अतुल कलानी लागू कुमार आपको विक्की कृष्णा के रोल में डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विवेक बहल ने इसमें सर्वपल्ली राधे कृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है, इंडिया की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ, संजय राय ने साकिब हुसैन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा नारद आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी से भी कुछ किरदार देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मोमेंट आयु में इसमें जनरल इमरान खान जो तीसरे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे वाकिस आर्मी के, वो रोल उन्होंने प्ले किया था। मोमेंट बार ने इन्होंने जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ था, जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ थे। इसके अलावा उपेंद्र चौहान इसमें लेफ्टिनेंट अंजन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो गवर्नर थे। रोहन वर्मन ने कैप्टन लिटल जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनीष के फ्रेंड और लिटल वन फर्स्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था। प्रीतिश राज में भी इसमें कुछ किरदार देखने को मिलेंगे। अजवा सोनी इस फिल्म में लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। पॉल ओसनील ने जनरल डेविड का रोल प्ले किया हुआ है, जो सेंटन इन्फेंट्री डिविजन कमांडर थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। रिचर्ड मिशन इसमें कर्नल धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया हुआ, जो ब्रिटिश आर्मी में थे। आपको एक किरदार देखने को मिलेगा ओवरऑल सेम जोनीसन हिंदी ने प्ले किया हुआ था। एडवर्ड रॉबर्टसन ने लेटेंट स्किल का रोल प्ले किया हुआ था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ये ब्रिटिश आर्मी कुछ करेक्टर्स हैं जो देखने को मिले थे। यूएसए स्टेटमेंट में 2 किरदार देखने को मिले थे। रिचर्ड बक्टिक क्लेन ने कैंथन कंडी का रोल प्ले किया था, यूएसए स्टैंडर्ड इंडिया में थे।
जेफरी गोल्डर वर्क प्लेस में हिंदी का रोल प्ले किया हुआ था। यूएसए सेक्रेटरी के रेट के तौर पर स्टेट यूएसए कुछ किरदार जो कि नॉन ऑफिशियल का रोल प्ले किया हुआ है और किता आरान को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटेक वर्ल्ड इंपैक्ट में भी देखने को मिलता है। तनाय और इसदा और जो एक ऑफिसर का रोल था, ये कुछ करेक्टर्स थे जो आपको जापानी आर्मी में भी देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में भी कुछ कास्ट थी फिल्म की जो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2017 में की गई थी। निगला गुजानी इसका आइडिया था सेम मिनिस्ट्री के ऊपर बनाने का और उन्होंने राकेश फिल्म के तौर पर बना लिया था। उन पर भी प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने जो किरदार वो बनाना चाहते थे एक्टर्स के साथ वो काफी ज्यादा एंगेज हुए हुए थे। लेटर कुछ सालों के बाद उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई थी, उसको डिवेल्प किया गया था और उसको कोलेबोरेशन किया गया राइटिंग में और उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर्स और जसमन ने मीटिंग की हुई थी। प्रॉपर खान को डेवलप किया हुआ था। उसके अलावा सेकंड कोलैबोरेशन गुलजार के साथ में की गई थी और अनाउंसमेंट की गई थी इस प्रोडक्शन के लिए। फिल्म को 2021 में अनाउंसमेंट हुआ 107वीं बर्थ पर। इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, कास्टिंग दिसंबर 2000 में बताया गया था। काफ़ी सानिया मल्होत्रा इसमें को ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बाद उनका जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। इसके अलावा कार्निन कास्ट ज्वाइन किया हुआ था। 22 मई 2 लहरों के लिए उन्होंने ऑफर किया गया था, जिन्होंने गुलजार के साथ सेकंड कोलैबोरेशन किया था। तलवार फिल्म के रवि कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी और उन्होंने एक आर्मी के साथ रिंग रोल प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी, एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के लिए। क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको जो लगेज उनके करियर में आया हुआ उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट उनको लगा है, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी चीज़ें जाया जाए, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया गया है, पर्सनल थे उनको ही लेकर उन फिल्म की शूटिंग की गई थी। 8 अगस्त 2022 को स्टार्ट की गई थी फिल्म को। तक 13 लोकेशन पर शूट किया गया था। 2 साल के अंदर जैक शूट किया गया था। सेम में जितने भी उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए हुए थे उन्होंने उसको पूर्ण और इसने चंडीगढ़, ऊटी, कन्नौर, देहरादून, कोलकाता, प्रयागराज, श्रीराम और दिल्ली जैसे लोकेशन पर भी शूट किया गया था। 14 मार्च 2023 तक रेपअप किया गया था। उसके बाद डबिंग, मिस्टिंग, मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था, सॉन्ग्स थे वो उनके जरिए कंपोज किए गए थे, वो गुलजार ने लिखे हुए थे। जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर था वो कृति सोना ने कंपोज किया हुआ था। गाने थे वो शंकर सारलोय ने कंपोज किया था, जो 2022 में किया गया था। 15 मीटर के साथ जी कंपनी वालों ने राइट खरीदे हुए थे पर अपने स्टूडियो और गानों को रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 4 गाने थे। पहला था बढ़ते चलो और उन्होंने जी म्यूजिक के जरिए 13 नवंबर 2000 को रिलीज किया गया था। इसको शंकर महादेव ने दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। जो बंदा गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पर 22 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया था। शंकर मार्टिन ने गाया हुआ था इतनी सी बात गाने को, गोशाल ने गाया हुआ था और आजा गाने को सिलो जहां ने गाया हुआ था। टोटल 4 गाने थे। इसकी लेंथ 15 मिनट 8 सेकंड। वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में 27 नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर रिलीज करवाया गया था। ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन दिसंबर में किया गया था, वो 1 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2000 को ऑफिशियल प्रॉपर प्रोडक्शन के तौर पर रिलीज करवाया गया था नियावाला। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहां पर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी। और एनिमल के साथ ये क्लैश भी हो रही थी, ये बड़ा क्लैश भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त था। इसका जो क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से जो अच्छा रिस्पांस था, फिल्म ने सुपरहिट का टैग लिया हुआ था। डे बाय डे इसने अच्छी कलेक्शन का दिखाई हुई थी, जिसके चलते इस फिल्म ने एनिमल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ शोकेस करने का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी एक सक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पर इस फिल्म ने सभी एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी। साथ ही विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी, जिन्होंने उसने
डायलॉग डिलीवरी की हुई थी, बॉडी लैंग्वेज के साथ डेवलप की हुई थी, जो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे और उन्होंने मोशन पोर्ट्रेटिज्म वाले जो फिल्म वाले क्रिएट की हुई नजर आई, उनका काम जबरदस्त था। डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था, उसमें डेप कर क्रिएट की हुई थी, उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया था वो जबरदस्त था। अलग अलग पोर्टिकुलर एंगल देखने को मिलते हैं जहाँ पर सभी चीज़ों को हैंडल किया गया था। टेक्निकली फिल्म वर्ल्ड में बनी हुई थी, जो कैमरा वर्क था, जिस तरह से हार्ड डायरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा भी यूज किया गया था वो भी जबरदस्त था। जिस तरह से जो किरदारों को किया गया था वो काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड स्कोर अच्छे थे और सपोर्ट करते हुए नजर आते, और ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी हिट में गई थी, जिसके चलते क्रिटिक ऑडियंस की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया हुआ था। फिल्म ने अच्छा खासा रन भी लिया हुआ था। इस फिल्म को 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था, तब एक मिनिमम 30 करोड़ रिलीज़ के लिए बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी और कम स्क्रीन मिले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी ज़बरदस्त हासिल किया हुआ था और वोट हासिल हुए थे। इसमें 8.2 की रेटिंग हासिल मिली हुई थी। 10वें से पहले दिन इंडिया से सिर्फ 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन सैटरडे के ऊपर अच्छा ग्रोथ दिखाया और जम भी देखने को मिला। 8.9 करोड़ 50 लाख का भी नेट कलेक्शन किया हुआ था। 3 दिनों के अंदर तकरीबन 24 करोड़ का नेट कलेक्शन करके इंडिया से किया हुआ था। इस फिल्म ने मंडे के दिन 3.50 करोड़ का और ट्यूजडे के दिन 35 लाख का और 3 करोड़ का और थर्सडे को 2.90 करोड़ का इसने कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते पहला वीक था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, अच्छे से हैंडल किया हुआ था, 35.75 करोड़ का था। वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम था, लेकिन एक पॉजिटिव मूव था, एनिमल जैसी बड़ी फिल्में कलेक्शन काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया हुआ था, एक अच्छा स्टडी रन दिखाया हुआ था, जिसके चलते आगे चलकर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहाँ पर सेकंड फ्राइडे के ऊपर 3.50 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला हुआ था। सैटरडे पर उन्होंने 6.25 करोड़ का किया हुआ था। सेकंड वीक इसका 16 करोड़ का निकल के आया हुआ था। वीकडे जैसे मंडे के दिन फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था 2.25 करोड़ का और ट्यूजडे के पर, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थर्ड वीकेंड में भी 13 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। थर्ड वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा फिल्म का, और उसके बाद में इस फिल्म ने वीकडेज में भी काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। ये एक सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसको ओटीटी राइट्स से जी नेट वालों ने खरीदे हुए थे, ओटीटी राइट्स से जी फाइव के पास और सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा के पास। तो फिलहाल में अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं। सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा के ऊपर सेम बहादुर के नाम से प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर बता दें कि सेम बहादुर फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हैं जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आप बहादुर फिल्म आपको इंजॉय कर सेम बहादुर को इंजॉय कर पाएंगे। सेम बहादुर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फोक ड्रामा फिल्म है, और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर फिल्म मसल यानी सेम मनिक्स के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। उनसे इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से अलग किया गया है। एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे और ओरिजिनल से, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने, जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक दो बड़ी फिल्में भी दी हुई हैं, जहाँ पर इससे पहले उनकी छपाक आई थी, राजी आई थी, तलवार आई थी, 10 कहानी वाली फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था। स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग की और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजार और शातिन स्वान ने काम किया हुआ है। उन्होंने स्क्रू वाला ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ था। इस फिल्म को आरएस में भी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। फिल्म की लीड कास्ट में भी विकल कोशा, फातिमा सेंगमन और सानिया मोहता देखने को मिलेंगे। टेक्निकल की टीम में सिनेमाटोग्राफी जे आई पटेल ने की हुई है, निकित बेद ने की हुई है, जिन्होंने 100 का रन टाइम दिया हुआ है। फिल्म आपको 2 घंटे और 28 मिनट लंबी देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है।
इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट ने किया हुआ सॉन्ग्स हैं वो शंकर सालों ने कंपोज किए हुए हैं। इसके अलावा म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक के पास अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल, जिन्होंने फिल्म मास्टर्स का रोल प्ले किया हुआ है, जो सेवंथ आर्मी स्टार्स के। इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था निक जंगस का रोल था, वो जिया का बढ़िया ने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा बॉबी अरोड़ा इस फिल्म में मेजर वॉइस करके इंडियन आर्मी के तौर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आमिर बोल को तो इन्हें इसमें आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णा कांत जिन्होंने सूबेदार का बख्शी का रोल भी प्ले किया हुआ है, धनवीर सिंह रिमंडन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अंकुर राजवीर जनरल के तौर पर भी प्ले करते हुए नजर आएंगे। और चोपड़ा ने लेफ्टिनेंट जनरल बिग मोहन का रोल प्ले किया हुआ है। सुशिंस इसमें परमा शिवा प्रभा का रोल मंगलम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पुष्टा सिंह ब्रिगेडियर कुलमतन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जसकार सिरन गांधी इसमें सुखवाय मेहर खान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये जो आपको कास्ट दिखाई गई है और इंडियन आर्मी में काम की हुई है, इसमें सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए हैं। जो सेम बहादुर यानी जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेंगी, मनीष कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, उनकी वाइफ का रोल था। राजीव कौशल ने इसमें का रोल प्ले करते हुए उनके फादर का रोल था। इसके अलावा प्रोड्यूस आपको हारदित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो सेमानंद का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, इंडियन मिलिट्री के फ्रंट बने हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ किरदार देखने को मिलते हैं। उसमें निश्चय काबिज में जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनका रोल प्ले किया हुआ था। गोविंद नामदेव आपको प्ले का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। फातमे सना शेख मैंने गांधी का रोल प्ले किया था जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। इसके अलावा अन्य श्रीवास्तव जखमस्त राव और रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अतुल कलानी लागू कुमार आपको विकी कृष्णा के रोल में डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विवेक बहल ने इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्ण का रोल प्ले किया हुआ है, इंडिया की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया, संजय राय ने साकिब हुसैन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा नारायण आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी से भी कुछ किरदार देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मोमेंट्स में इसमें जनरल इमरान खान जो तीसरे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे वाकिस आर्मी के, वो रोल उन्होंने प्ले किया था। मोमेंट्स बार ने इन्होंने जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ था, जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ थे। इसके अलावा उपेंद्र चौहान इसमें लेफ्टिनेंट अंजन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो गवर्नर थे। रोहन वर्मन ने कैप्टन लिटल जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनीष के फ्रेंड और लिटल वन फर्स्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था। प्रीतिश राज में भी इसमें कुछ किरदार देखने को मिलेंगे। एडवर्ड सोनी इस फिल्म में लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। पॉल ऑस्नील ने जनरल डेविड का रोल प्ले किया हुआ है, जो सेंटन इन्फेंट्री डिविजन कमांडर थे ब्रिटिश आर्मी में थे। रिचर्ड मिशन इसमें कर्नल धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया हुआ जो ब्रिटिश आर्मी में थे, आपको एक किरदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेम जॉनसन हिंदी ने प्ले किया हुआ था। एडवर्ड रॉबर्टसन ने लेटन डी स्किल का रोल प्ले किया हुआ था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ये ब्रिटिश आर्मी कुछ करेक्टर्स हैं जो देखने को मिले थे। यूएसए स्टेटमेंट में दो किरदार देखने को मिले थे। रिचर्ड बक्ति क्लेन ने कैंथन कंडी का रोल प्ले किया था, यूएसए स्टैंडर्ड इंडिया में थे। जेफर गोल्डर वर्क प्लेस में हिंदी का रोल प्ले किया हुआ था, यूएसए सेक्रेटरी के रेट के तौर पर स्टेट यूएसए कुछ किरदार जो किसी नॉन ऑफिशियल का रोल प्ले किया हुआ है और किता को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटर वर्ल्ड इंपैक्ट में भी देखने को मिलता है तनाय और इसदा और जो एक ऑफिसर का रोल था। ये कुछ करेक्टर्स थे जो आपको जापानी आर्मी में भी देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में भी कुछ कास्ट थी फिल्म की,
जो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2017 में की गई थी, निगला गुजानी इसका आइडिया था सेम मिनिस्ट्री के ऊपर बनाने का और उन्होंने राकेश फिल्म के तो पर बना लिया था, उन पर भी प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने जो किरदार वो बनाना चाहते थे एक्टर्स के साथ वो काफी ज्यादा एंगेज हुए हुए थे। लेटर कुछ सालों के बाद उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई थी, उसको डेवलप किया गया था और उसको कोलेब्रेशन किया गया राइटिंग में और उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर्स और जसमन ने मीटिंग की हुई थी, प्रॉपर खान को डेवलप किया हुआ था। उसके अलावा सेकंड कोलैबोरेशन गुलजार के साथ में की गई थी और अनाउंसमेंट की गई थी इस प्रोडक्शन के लिए। फिल्म को 2021 में अनाउंसमेंट हुआ, 107वीं बर्थ पर इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। कास्टिंग दिसंबर 2000 में बताया गया था। काफ़ी सानिया मल्होत्रा इसमें को ज्वाइन करने वाले हैं, इसके बाद उनका जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। इसके अलावा कामिनी कास्ट ज्वाइन किया हुआ था। 22 मई 2 लहरों के लिए उन्होंने ऑफर किया गया था, जिन्होंने गुलजार के साथ सेकंड कोलैबोरेशन किया था। तलवार फिल्म के विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी और उन्होंने एक आर्मी के साथ रिंग रोल प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी, एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के लिए, क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको जो लगेज उनके करियर में आया हुआ उनके काफ़ी डिफिकल्ट उनको लगा है, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी चीज़ें जाया जाए, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया गया है, पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई थी। 8 अगस्त 2022 को स्टार्ट की गई थी फिल्म को, तक 13 लोकेशन पर शूट किया गया था। 2 साल के अंदर जब शूट किया गया था सेम में जितने भी उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए हुए थे और उन्होंने उसको पुणे और इसमें चंडीगढ़, ऊटी, कन्नौर, देहरादून, कोलकाता, प्रयागराज, श्रीराम और दिल्ली जैसे लोकेशन पर भी शूट किया गया था। 14 मार्च 2023 तक रेपअप किया गया था। उसके बाद डबिंग, मिस्टिंग, मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था, सॉन्ग्स थे वो उनके जरिए कंपोज किए गए थे, वो गुलजार ने लिखे हुए थे। जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर था वो कृति सोडा ने कंपोज किया हुआ था, गाने थे वो शंकर सारलोई ने कंपोज किया था, जो 2022 में किया गया था 15 मिनट के साथ। जी कंपनी वालों ने राइट खरीदे हुए थे पर अपने स्टूडियो और गानों को रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 4 गाने थे, पहला था बढ़ते चलो और उन्होंने जी म्यूजिक के जरिए 13 नवंबर 2000 को रिलीज किया गया था। इस पर शंकर महादेव ने दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। जो बंदा गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पर 22 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया था। शंकर मार्टिन ने गाया हुआ था इतनी सी बात गाने को, गोशाल ने गाया हुआ था और आजा गाने को सिलो जहां ने गाया हुआ था। टोटल 4 गाने थे, इसकी लेंथ 15 मिनट 8 सेकंड, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में 27 नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर रिलीज करवाया गया था। ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन दिसंबर में किया गया था, वो 1 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था, 13 अक्टूबर 2000 को ऑफिशियल प्रॉपर प्रोडक्शन के तौर पर रिलीज करवाया गया था न्यावाला। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहां पर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाले थे। और एनिमल के साथ ये क्लैश भी हो रही थी, बड़ा क्लैश भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त था। इसका जो क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से जो अच्छा रिस्पांस था, फिल्म ने सुपरहिट टैग लिया हुआ था। डे बाय डे इसने अच्छी कलेक्शन का दिखाई भी थी, जिसके चलते इस फिल्म ने एनिमल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ शोकेस करने का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी एक सक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पर इस फिल्म ने सभी एक्टर्स से उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी, साथ साथ विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी, जिन्होंने उसने डायलॉग डिलीवरी की हुई थी, बॉडी लैंग्वेज के साथ डेवलप की हुई थी जो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे, और उन्होंने इमोशन पैट्रियोटिज्म वाले जो फिल्मों वाले क्रिएट की हुई नजर आई, उनका काम जबरदस्त था। डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था, उसमें डेप कर क्रिएट की हुई थी, उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया था वो जबरदस्त था। अलग अलग पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलते हैं जहाँ पर सभी चीज़ों को हैंडल किया गया था। टेक्निकली फिल्म वर्ल्ड में बनी हुई थी,
जो कैमरा वर्क था, जिस तरह से हार्ड डायरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा वीक यूज किया गया था वो भी जबरदस्त था। जिस तरह से जो किरदारों को किया गया था वो काफी अच्छा था, बैकग्राउंड स्कोर अच्छे थे और सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और ये सभी चीजें फिल्म के साथ काफी हिट मिल गई थी, जिसके चलते क्रिटिक ऑडियंस की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया हुआ था। फिल्म ने अच्छा खासा रन भी लिया हुआ था। इस फिल्म को 8 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था, तब एक मिनिमम 30 करोड़ रिलीज के लिए बड़ी फिल्म के साथ रिलीज हो रही थी और कम स्क्रीन मिले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी ज़बरदस्त हासिल किया हुआ था और वोट हासिल हुए थे। इसमें 8.2 की रेटिंग हासिल मिली हुई थी 10 में से। पहले दिन इंडिया से सिर्फ 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, जो कि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन सैटरडे के ऊपर अच्छा ग्रोथ दिखाया और जम्प भी देखने को मिला। 8.9 करोड़ 50 लाख का भी नेट कलेक्शन किया हुआ था। 3 दिनों के अंदर तकरीबन 24 करोड़ का नेट कलेक्शन करके इंडिया से किया हुआ था। इस फिल्म ने मंडे के दिन 3.50 करोड़ का और ट्यूजडे के दिन 35 लाख का और 3 करोड़ का और थर्सडे को 2.90 करोड़ का इसने कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते पहला वीक था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, अच्छे से हैंडल किया हुआ था, 35 करोड़ 75 लाख का था। वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम था, लेकिन एक पॉजिटिव मूव था, एनिमल जैसी बड़ी फिल्म में कलेक्शन काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया हुआ था, एक अच्छा स्टडी रन दिखाया हुआ था, जिसके चलते आगे चलकर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहाँ पर सेकेंड फ्राइडे के ऊपर 3.50 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला हुआ था। सैटरडे पर उन्होंने 6.25 करोड़ का किया हुआ था। सेकेंड वीक इसका 16 करोड़ का निकल के आया हुआ था। वीक डे जैसे मंडे के दिन फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था 2.25 करोड़ का और ट्यूजडे के पर, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थर्ड वीकेंड में भी 13 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। थर्ड वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा फिल्म का, और उसके बाद में इस फिल्म ने वीक डेज में भी काफी जबरदस्त अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। ये एक सक्सेसफुल सामने थे, जिसको OTT राइट से जी नेट वालों ने खरीदे हुए थे, OTT राइट से जी फाइव के पास और सैटेलाइट राइट जी सिनेमा के पास। तो फिलहाल में अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जी फाइव OTT प्लेटफॉर्म के पे इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं। सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा के ऊपर सेम बहादुर के नाम से प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर बता दें कि सेम बहादुर फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हैं Z5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आप बहादुर फिल्म आपको इंजॉय कर सेम बहादुर को इंजॉय कर पाएंगे। सेम बहादुर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फोक ड्रामा फिल्म है, और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर फिल्म मसल यानी सेम मनिक्स के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। उनसे इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से अलग किया गया है। एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे और ओरिजिनल से, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने, जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक दो बड़ी फिल्में भी दी हुई हैं, जहाँ पर इससे पहले उनकी छपाक आई थी, राजी आई थी, तलवार आई थी, 10 कहानी वाली फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था। स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजार और शातिर ने काम किया हुआ है। उन्होंने स्क्रू वाला ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ था। इस फिल्म को RS में भी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। फिल्म के लीड कास्ट में भी विकल कुशा, फातिमा सेंगमन और सानिया मोहता देखने को मिलेंगे। टेक्निकल की टीम में सिनेमाटोग्राफी JIR पटेल ने की हुई है, निकित बेद ने की हुई है, जिन्होंने एक सॉल्स का रन टाइम दिया हुआ है। फिल्म आपको 2 घंटे और 28 मिनट लंबी देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट ने किया हुआ सॉन्ग्स हैं वो शंकर सालों ने कंपोज किए हुए हैं। इसके अलावा म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक के पास अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल, जिन्होंने फिल्म मास्टर्स का रोल प्ले किया हुआ है, जो 7th आर्मी स्टार्स के। इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था अनिक जंगल्स का रोल था, वो जिया का बढ़िया ने प्ले किया हुआ है।
इसके अलावा बॉबी अरोड़ा इस फिल्म में मेजर ओएस करके इंडियन आर्मी के तौर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आमस बोर को तो इन्हें इसमें आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णा कांत जिन्होंने सूबेदार का बक्सी का रोल भी प्ले किया हुआ है, धनवीर सिंह रिमंडन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अंकुर राजवीर जनरल के तौर पर भी प्ले करते हुए नजर आएंगे। और चोपड़ा ने लेफ्टिनेंट जनरल बिग मोहन का रोल प्ले किया हुआ है। सुतिंस इसमें परमे शिवा प्रभा का रोल मंगलम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पुष्टा सिंह ब्रिगेडियर कुलमतन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जसकार सिरन गांधी इसमें सुकुआ मेहर खान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये जो आपको कास्ट दिखाई गई है और इंडियन आर्मी में काम की हुई है, इसमें सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए हैं। जो सेम बहादुर यानी जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेंगी। मनीष कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, उनकी वाइफ का रोल था। राजीव कौशल ने इसमें हॉल मोर्सेज मैसूर का रोल प्ले किया हुआ था, उनके फादर का रोल था। इसके अलावा प्रोड्यूस आपको हाजिद का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो सेमानियन सर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, इंडियन मिलिट्री के फ्रंट बने हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ किरदार देखने को मिलते हैं। उसमें निश्चय काब्रिस में जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनका रोल प्ले किया हुआ था। गोविंद नामदेव आपको का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। फातमे सना से एक मैंने गांधी का रोल प्ले किया था जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। इसके अलावा अन्य श्रीवास्तव जखमस्त राव और रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अतुल खलनानी लागू कुमार आपको विक्की कृष्णा के रोल में डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विवेक बहल ने इसमें सर्वपल्ली राधे कृष्णा का रोल प्ले किया हुआ है, इंडिया की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया। संजय राय ने साकिब हुसैन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा नारद आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी से भी कुछ किरदार देखने को मिलेंगे, जहां पर मोमन आयुब में इसमें जनरल इमरान खान जो तीसरे पाकिस्तान के और पांचवे कमांडर इन चीफ थे वाकिस आर्मी के, वो रोल उन्होंने प्ले किया था। मोमन बान ने इन्होंने जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ थे। इसके अलावा उपेंद्र चौहान इसमें लेफ्टिनेंट अंजन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो गवर्नर थे। रोहन वर्मन ने कैप्टन लिटल जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है जो मनीष के फ्रेंड और लिटल रोहन फ्रेश पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था। प्रीतिश राज में भी इसमें कुछ किरदार देखने को मिलेंगे। अजवा सोनी इस फिल्म में लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो कर्नल जंगल थे इंडिया के। पॉल ओस्नील ने जनरल डेविड का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंटन इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। रिचर्ड मिशन इसमें कर्नल धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया हुआ है जो ब्रिटिश आर्मी में थे, आपको एक किरदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेम जोनीसन हिंदी ने प्ले किया हुआ था। एडवर्ड रॉबर्टसन ने लेफ्टिनेंट स्किल का रोल प्ले किया हुआ था जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ये ब्रिटिश आर्मी कुछ करेक्टर्स हैं जो देखने को मिले थे। यूएस स्टेटमेंट में दो किरदार देखने को मिले थे। रिचर्ड बक्सी क्लेन ने कैंथन कंडी का रोल प्ले किया था, यूएस स्टैंडर्ड इंडिया में थे। जयपुर गोल्ड वर्क प्लेस में हिंदी का रोल प्ले किया हुआ था, यूएसए सेक्रेटरी के रेट के तौर पर स्टेट यूएसए कुछ किरदार जो किसी नॉन ऑफिशियल का रोल प्ले किया हुआ है और किता आरान को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटर वर्ल्ड इंपैक्ट में भी देखने को मिलता है तनाय और इसदा और जो एक ऑफिसर का रोल था। ये कुछ करेक्टर्स थे जो आपको जापानी आर्मी में भी देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में भी कुछ कास्ट थी फिल्म की जो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2017 में की गई थी। निगला गुजानी इसका आइडिया था सेम मिनिस्ट के ऊपर बनाने का और उन्होंने राकेश फिल्म के तौर पर बना लिया था, उन पर भी प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने जो किरदार वो बनाना चाहते थे एक्टर्स के साथ वो काफी ज्यादा एंगेज हुए हुए थे। लेटर कुछ सालों के बाद उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई थी, उसको डेवलप किया गया था और उसको कोलेबोरेशन किया गया राइटिंग में और
उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर्स और जसमान ने मीटिंग की हुई थी, प्रॉपर हार्म को डेवलप किया हुआ था। उसके अलावा सेकंड कोऑपरेशन गुलजार के साथ में की गई थी और नेशनल अनाउंसमेंट की गई थी इस प्रोडक्शन के लिए। फिल्म को 2021 में अनाउंसमेंट हुआ 107वीं बर्थ पर। इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, कास्टिंग दिसंबर 2000 में बताया गया था। काफ़ी सानिया मल्होत्रा इसमें को ज्वाइन करने वाले हैं, इसके बाद उनका जो एक दूसरे के साथ कोलेब्रेशन होने वाला है। इसके अलावा कामिन कास्ट ज्वाइन किया हुआ था। 22 मई 2 लहरों के लिए उन्होंने ऑफर किया गया था, जिन्होंने गुलजार के साथ सेकंड कोलैबोरेशन किया था। तलवार कलम के विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी और उन्होंने एक आर्मी के साथ रिंग रोल प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी, एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के लिए, क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको जो लगेज उनके करियर में आया हुआ उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट उनको लगा है, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी चीज़ें जाया जाए, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे। फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया गया है, पर्सनल थे उनको ही लेकर उन फिल्म की शूटिंग की गई थी। 8 अगस्त 2022 को स्टार्ट की गई थी फिल्म को, तक 13 लोकेशन पर शूट किया गया था। 2 साल के अंदर जब शूट किया गया था सेम में जितने भी उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए हुए थे उन्होंने उसको पूर्ण, और इसने चंडीगढ़, ऊटी, कन्नौर, देहरादून, कोलकाता, प्रयागराज, श्रीराम और दिल्ली जैसे लोकेशन पर भी शूट किया गया था। 14 मार्च 2023 तक रेपअप किया गया था। उसके बाद डबिंग, मिस्टिंग, मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था, सॉन्ग्स थे वो उनके जरिए कंपोज किए गए थे, वो गुलजार ने लिखे हुए थे। जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर था वो कृति सोना ने कंपोज किया हुआ था, गाने थे वो शंकर सारलोई ने कंपोज किया था, जो 2022 में किया गया था। 15 मीटर के साथ जी कंपनी वालों ने राइट खरीदे हुए थे पर अपने स्टूडियो और गानों को रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 4 गाने थे, पहला था बढ़ते चलो और उन्होंने जी म्यूजिक के जरिए 13 नवंबर 2000 को रिलीज किया गया था। इस पर शंकर महादेव ने दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। जो बंदा गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पर 22 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया था, शंकर मार्टिन ने गाया हुआ था। इतनी सी बात गाने को घोषाल ने गाया हुआ था और आजा गाने को सिलो जहां ने गाया हुआ था। टोटल 4 गाने थे। इसकी लेंथ 15 मिनट 8 सेकंड, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में 27 नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर रिलीज करवाया गया था। ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन दिसंबर में किया गया था, वो 1 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था, 13 अक्टूबर 2000 को ऑफिशियल प्रॉपर प्रोडक्शन के तौर पर रिलीज करवाया गया था नियावाला। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहां पर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाले थे। और एनिमल के साथ ये क्लैश भी हो रही थी, ये बड़ा क्लैश भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त था। इसका जो क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से जो अच्छा रिस्पांस था, फिल्म ने सुपरहिट का टैग लिया हुआ था। डे बाय डे इसने अच्छी कलेक्शन का दिखाई भी थी, जिसके चलते इस फिल्म ने एनिमल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ शोकेस करने का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी एक सक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पर इस फिल्म ने सभी एक्टर्स से उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी, साथ साथ विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी, जिन्होंने उसने डायलॉग डिलीवरी की हुई थी, बॉडी लैंग्वेज के साथ डेवलप की हुई थी, जो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे और उन्होंने इमोशन पर टूरिज्म वाले जो फिल्मों वाली क्रिएट की हुई नजर आई, उनका काम जबरदस्त था। डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था, उसमें डेप कर क्रिएट की हुई थी, उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया था वो जबरदस्त था। अलग अलग पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलते हैं जहाँ पर सभी चीज़ों को हैंडल किया गया था। टेक्निकली फिल्म वर्ल्ड में बनी हुई थी, जो कैमरा वर्क था, जिस तरह से हार्ड डायरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा वीक यूज किया गया था वो भी जबरदस्त था। जिस तरह से जो किरदारों को किया गया था वो काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड स्कोर अच्छे थे और सपोर्ट करते हुए नजर आते, और ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी हिट मिल गई थी, जिसके चलते क्रिटिक ऑडियंस की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया हुआ था। फिल्म ने अच्छा खासा रन भी लिया हुआ था। इस फिल्म को 8 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था, तब एक मिनिमम 30 करोड़ रिलीज के लिए बड़ी फिल्म के साथ रिलीज हो रही थी और कम स्क्रीन मिले हुए थे, लेकिन
उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी ज़बरदस्त हासिल किया हुआ था और अवार्ड हासिल हुए थे। इसमें 8.2 की रेटिंग हासिल मिली हुई थी। 10 में से पहले दिन इंडिया से सिर्फ 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन सैटरडे के ऊपर अच्छा ग्रोथ दिखाया और जम भी देखने को मिला। 8.9 करोड़ 50 लाख का भी नेट कलेक्शन किया हुआ था। 3 दिनों के अंदर तकरीबन 24 करोड़ का नेट कलेक्शन करके इंडिया से किया हुआ था। इस फिल्म ने मंडे के दिन 3.50 करोड़ का और ट्यूजडे के दिन 35 लाख का और 3 करोड़ का और थर्सडे को 2.90 करोड़ का इसने कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते पहला वीक था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, अच्छे से हैंडल किया हुआ था। 35 करोड़ 75 लाख का था। वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम था, लेकिन एक पॉजिटिव मूव था। एनिमल जैसी बड़ी फिल्म में कलेक्शन काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया हुआ था, एक अच्छा स्टडी रन दिखाया हुआ था, जिसके चलते आगे चलकर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहाँ पर सेकंड फ्राइडे के ऊपर 3.50 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला हुआ था। सैटरडे पर उन्होंने 6.25 करोड़ का किया हुआ था। सेकंड वीक इसका 16 करोड़ का निकल के आया हुआ था। वीक डे जैसे मंडे के दिन फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था 2.25 करोड़ का और ट्यूजडे के पर, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थर्ड वीकेंड में भी 13 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। थर्ड वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा फिल्म का, और उसके बाद में इस फिल्म ने वीक डेज में भी काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। ये एक सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसको OTT राइट्स से जी नेट वालों ने खरीदे हुए थे। OTT राइट्स से जी फाइव के पास और सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा के पास। तो फिलहाल में अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जी फाइव OTT प्लेटफॉर्म के पे इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं। सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा के ऊपर सेम बहादुर के नाम से प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर बता दें कि सेम बहादुर फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हैं Zee5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आप बहादुर फिल्म आपको इंजॉय कर सेम बहादुर को इंजॉय कर पाएंगे। सेम बहादुर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फोक ड्रामा फिल्म है, और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर फिल्म मसल यानी सेम मनिक्स के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। उनसे इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से अलग किया गया है। एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे और ओरिजिनल से, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने, जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक दो बड़ी फिल्में भी दी हुई हैं, जहाँ पर इससे पहले उनकी छपाक आई थी, राजी आई थी, तलवार आई थी, 10 कहानी वाली फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था। स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग की और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजार और शातिन स्वान ने काम किया हुआ है। उन्होंने स्क्रू वाला ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ था। इस फिल्म को RS में भी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। फिल्म के लीड कास्ट में भी विवेक कोशा, फातिमा सेंगमन और सानिया मोहता देखने को मिलेंगे। टेक्निकल की टीम में सिनेमाटोग्राफी JIR पटेल ने की हुई है, निकित बेद ने की हुई है, जिन्होंने 100 का रन टाइम दिया हुआ है। फिल्म आपको 2 घंटे और 28 मिनट लंबी देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से USA सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट ने किया हुआ है, सॉन्ग्स हैं वो शंकर सालों ने कंपोज किए हुए हैं। इसके अलावा म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक के पास अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल, जिन्होंने फिल्म मास्टर्स का रोल प्ले किया हुआ है, जो 7th आर्मी स्टार्स के। इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था अनिक जंगल्स का रोल था, वो जिया का बढ़िया ने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा बॉबी अरोड़ा इस फिल्म में मेजर वॉइस करके इंडियन आर्मी के तौर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आमस बोर को तो इन्हें इसमें आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णा कांत, जिन्होंने सूबेदार का बख्शी का रोल भी प्ले किया हुआ है, धनवीर सिंह रिमंडन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अंकुर राजवीर जनरल के तौर पे भी प्ले करते हुए नजर आएंगे, और चोपड़ा ने
टेनेंट जनरल बिग बॉन का रोल प्ले किया हुआ है सुतिंस इसमें। परमेश शिवा प्रभा का रोल मंगलम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पुष्टा सिंह ब्रिगेडियर कुलमतन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जसका सिरंग गांधी इसमें सुखवाय मेहर खान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये जो आपको कास्ट दिखाई गई है और इंडियन आर्मी में काम की हुई है इसमें सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए हैं। जो सेम बहादुर यानी जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेंगी। मनीष कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, उनकी वाइफ का रोल था। राजीव कौशल ने इसमें हॉलमोस्ट अमरसर का रोल प्ले किया करते हुए उनके फादर का रोल था। इसके अलावा प्रोड्यूस आपको हाजिद का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो सेम मानस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इंडियन मिलिट्री के फ्रंट बने हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ किरदार देखने को मिलते हैं। उसमें में जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनका रोल प्ले किया था। गोविंद नामदेव आपको प्ले का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फातमे सना से मैंने गांधी का रोल प्ले किया था जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। इसके अलावा अन्य श्रीवास जखमस्ता राव और रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अतुल कलानी लागू कुमार आपको विक्की कृष्णा के रोल में डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विवेक बहल ने इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है। इंडिया की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ संजय वाई ने साकिब हुसैन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा नारद आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी से भी कुछ किरदार देखने को मिलेंगे जहां पर मोमेंट आयु में इसमें जनरल इमरान खान जो तीसरे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे वाकिस आर्मी के वो रोल उन्होंने प्ले किया था। मोमेंट बॉन ने इन्होंने जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ थे। इसके अलावा उपन चौहान इसमें लेफ्टिनेंट अंजन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो गवर्नर थे। रोहन वर्मन ने कैप्टन लिटल जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है जो मनीष के फ्रेंड और लिटल वन फर्स्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था। प्रीतिश राज में भी इसमें कुछ किरदार देखने को मिलेंगे। अजवा सोनी इस फिल्म में लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। पॉल ओ'नील ने जनरल डेविड का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंटन इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर थे ब्रिटिश आर्मी में थे। रिचर्ड मिशन इसमें कर्नल धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया हुआ जो ब्रिटिश आर्मी में थे आपको एक किरदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेम जॉनसन हिंदी ने प्ले किया हुआ था। एडवर्ड रॉबर्टसन ने लेटेंट स्किल का रोल प्ले किया हुआ था जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ये ब्रिटिश आर्मी कुछ करेक्टर्स हैं जो देखने को मिले थे। यूएस स्टेटमेंट में दो किरदार देखने को मिले थे। रिचर्ड बक्टी क्लेन ने कैंथन कंडी का रोल प्ले किया था यूएस स्टैंडर्ड इंडिया में थे। जेफर गोल्डर वर्क प्लेस में हिंदी का रोल प्ले किया हुआ था यूएस सेक्रेटरी के रेट के तौर पर स्टेट यूएसए कुछ किरदार जो किसी नॉन ऑफिशियल का रोल प्ले किया हुआ है और किता आरान को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनके वर्ल्ड इंपैक्ट में भी देखने को मिलता है तनाया और इसदा और जो एक ऑफिसर का रोल था। ये कुछ करेक्टर्स थे जो आपको जापानी आर्मी में भी देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में भी कुछ खास थी फिल्म की जो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2017 में की गई थी। निगला गुजानी इसका आइडिया था सेम मिनिस्ट्री के ऊपर बनाने का और उन्होंने राकेश फिल्म के तौर पर बना लिया था। उन पर भी प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने जो किरदार वो बनाना चाहते थे एक्टर्स के साथ वो काफी ज्यादा एंगेज हुए हुए थे। लेटर कुछ सालों के बाद उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई थी, उसको डेवलप किया गया था और उसको कोलेब्रेशन किया गया राइटिंग में और उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर्स और जसमन ने मीटिंग की हुई थी। प्रॉपर खान को डेवलप किया हुआ था। उसके अलावा सेकंड कोलैबोरेशन गुलजार के साथ में की गई थी और अनाउंसमेंट की गई थी इस प्रोडक्शन के लिए। फिल्म को 2021 में अनाउंसमेंट हुआ 107वीं बर्थ पर इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। कास्टिंग दिसंबर 2000 में बताया गया था। काफी
सानिया मल्होत्रा इसमें को ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बाद उनका जो एक दूसरे के साथ कोलेब्रेशन होने वाला है। इसके अलावा कामिन कास्ट ज्वाइन किया हुआ था। 22 मई 2 लहरों के लिए उन्होंने ऑफर किया गया था, जिन्होंने गुलजार के साथ सेकंड कोलेब्रेशन किया था। तलवार फिल्म के लिए विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी और उन्होंने एक आर्मी के साथ रिंग रोल प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी, एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के लिए, क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको जो लगेज उनके करियर में आया हुआ उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट उनको लगा है, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी चीज़ें जाया जाए, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया गया है, पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई थी। 8 अगस्त 2022 को स्टार्ट की गई थी फिल्म को, तब 13 लोकेशन पर शूट किया गया था। 2 साल के अंदर जब शूट किया गया था सेम में जितने भी उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए हुए थे और उन्होंने उसको पूर्ण और इसने चंडीगढ़, ऊटी, कन्नौर, देहरादून, कोलकाता, प्रयागराज, श्रीराम और दिल्ली जैसे लोकेशन पर भी शूट किया गया था। 14 मार्च 2023 का रेपअप किया गया था। उसके बाद डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था, सॉन्ग्स थे वो उनके जरिए कंपोज किए गए थे, वो गुलजार ने लिखे हुए थे। जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर था वो कृति सोना ने कंपोज किया हुआ था। गाने थे वो शंकर सारलोई ने कंपोज किया था, जो 2022 में किया गया था। 15 मिनट के साथ जी कंपनी वालों ने राइट खरीदे हुए थे परमानेंट स्टूडियो और गानों को रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 4 गाने थे। पहला था बढ़ते चलो और उन्होंने जी म्यूजिक के जरिए 13 नवंबर 2000 को रिलीज किया गया था। इस पर शंकर महादेव ने दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। जो बंदा गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पर 22 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया था। शंकर मार्टिन ने गाया हुआ था इतनी सी बात गाने को, गोशाल ने गाया हुआ था और आजा गाने को सिलो जहां ने गाया हुआ था। टोटल 4 गाने थे। इसकी लेंथ 15 मिनट 8 सेकंड। स्टूडियो ऑडियो फॉर्मेट में 27 नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर रिलीज करवाया गया था। ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन दिसंबर में किया गया था, वो 1 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2000 को ऑफिशियल प्रॉपर प्रोडक्शन के तौर पर रिलीज करवाया गया था न्यावाला। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेलर रिलीज किया गया था, जहां पर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी। और एनिमल के साथ ये क्लैश भी हो रही थी, ये बड़ा क्लैश भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त था। इसका जो क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से जो अच्छा रिस्पांस था, फिल्म ने सुपरहिट का टैग लिया हुआ था। डे बाय डे इसने अच्छी कलेक्शन का दिखाई हुई थी, जिसके चलते इस फिल्म ने एनिमल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ शोकेस करने का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी एक सक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पर इस फिल्म ने सभी एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी। साथ साथ विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी, जिन्होंने उसने डायलॉग डिलीवरी की हुई थी, बॉडी लैंग्वेज के साथ डेवलप की हुई थी, जो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे और उन्होंने मोशन पोर्ट्रेटिज्म वाले जो फिल्मों वाले क्रिएट की हुई नजर आई, उनका काम जबरदस्त था। डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था, उसमें डेप कर क्रिएट की हुई थी, उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया था वो जबरदस्त था। अलग अलग पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सभी चीज़ों को हैंडल किया गया था। टेक्निकली फिल्म वर्ल्ड में बनी हुई थी, जो कैमरा वर्क था, जिस तरह से हार्ड डायरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा भी यूज किया गया था वो भी जबरदस्त था। जिस तरह से जो किरदारों को किया गया था वो काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड स्कोर अच्छे थे और सपोर्ट करते हुए नजर आते, और ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी हिट में गई थी, जिसके चलते क्रिटिक ऑडियंस की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया हुआ था। फिल्म ने अच्छा खासा रन भी लिया हुआ था। इस फिल्म को 8 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था, तब एक मिनिमम 30 करोड़ रिलीज के लिए बड़ी फिल्म के साथ रिलीज हो रही थी और कम स्क्रीन मिले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी ज़बरदस्त हासिल किया हुआ था और वोट हासिल हुए थे। इसमें 8.2 की रेटिंग हासिल मिली हुई थी। 10 मिनट से पहले दिन इंडिया से सिर्फ 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन सैटरडे के ऊपर अच्छा ग्रोथ दिखाया और जम भी देखने को मिला। 8.9 करोड़ 50 लाख का भी नेट कलेक्शन किया हुआ था। 3 दिनों के अंदर तकरीबन 24 करोड़ का नेट कलेक्शन करके इंडिया से किया हुआ था। इस फिल्म ने मंडे के दिन
3 करोड़ 50 लाख का, और ट्यूजडे के दिन 35 लाख का, और 3 करोड़ का, और थर्सडे को 2 करोड़ 90 लाख का इसने कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते पहला वीक था वो काफी जबरदस्त था, अच्छे से हैंडल किया हुआ था, 35 करोड़ 75 लाख का था। वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम था, लेकिन एक पॉजिटिव मूव था, एनिमल जैसी बड़ी फिल्म में कलेक्शन काफी बड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया हुआ था, एक अच्छा स्टडी रन दिखाया हुआ था, जिसके चलते आगे चलकर काफी जबरदस्त कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहाँ पर सेकंड फ्राइडे के ऊपर 3 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करके निकाला हुआ था, सैटरडे पर उन्होंने 6 करोड़ 25 लाख का किया हुआ था, सेकंड वीक इसका 16 करोड़ का निकल के आया हुआ था, वीक डे जैसे मंडे के दिन फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था 2 करोड़ 25 लाख का, और ट्यूजडे के पर जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थर्ड वीकेंड में भी 13 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था, थर्ड वीकेंड काफी अच्छा रहा फिल्म का, और उसके बाद में इस फिल्म ने वीक डेज में भी काफी जबरदस्त अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। ये एक सक्सेसफुल सामने थे जिसको ओटीटी राइट से जी नेट वालों ने खरीदे हुए थे, ओटीटी राइट से जी फाइव के पास और सैटेलाइट राइट जी सिनेमा के पास। तो फिलहाल में अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं, सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा के ऊपर सेम बहादुर के नाम से प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर बता दें कि सेम बहादुर फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हैं जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आप बहादुर फिल्म आपको इंजॉय कर सेम बहादुर को इंजॉय कर पाएंगे। सेम बहादुर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फोर ड्रामा फिल्म है, और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर फिल्म मसल यानी सेम मनिक्स के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है, उनसे इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से अलग किया गया है। एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे और ओरिजिनल से, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने, जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक दो बड़ी फिल्में भी दी हुई हैं, जहाँ पर इससे पहले उनकी छपाक आई थी, राजी आई थी, तलवार आई थी, 10 कहानी वाली फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था। स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजार और शातिन स्वान ने काम किया हुआ है, उन्होंने स्क्रू वाला ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ था। इस फिल्म को आरएस में भी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। फिल्म की लीड कास्ट में भी विकल कुशा, फातमा सेंगमन और सानिया मोहता देखने को मिलेंगे। टेक्निकल की टीम में सिनेमाटोग्राफी जे आई पटेल ने की हुई है, निकित बेद ने की हुई है, जिन्होंने एक सॉल्स का रन टाइम दिया हुआ है। फिल्म आपको 2 घंटे और 28 मिनट लंबी देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट ने किया हुआ सॉन्ग्स हैं वो शंकर सालो ने कंपोज किए हुए हैं। इसके अलावा म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक के पास अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल, जिन्होंने फिल्म मास्टर्स का रोल प्ले किया हुआ है, जो 7th आर्मी स्टार्स के। इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था अनिकेत जंगल्स का रोल था, वो जिया का बढ़िया ने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा बॉबी अरोड़ा इस फिल्म में मेजर वॉइस करके इंडियन आर्मी के तौर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आमस बोल को तो इन्हें इसमें आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णा कांत जिन्होंने सूबेदार का बक्सी का रोल भी प्ले किया हुआ है, धनवीर सिंह रिमंडन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अंकुर राजवीर जनरल के तौर पे भी प्ले करते हुए नजर आएंगे, और चोपड़ा ने लेफ्टिनेंट जनरल बिग मोहन का रोल प्ले किया हुआ है। सुशांत इसमें परमन शिवा प्रभा का रोल, मंगलम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पुष्टा सिंह ब्रिगेडियर कुलमतन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जसकार सिरन गांधी इसमें सुपॉय मेहर खान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये जो आपको कास्ट दिखाई गई है ओवर इंडियन आर्मी में काम की हुई है, इसमें सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए हैं,
जो सेम बहादुर यानी जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेंगी, मनीष का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, उनकी वाइफ का रोल था राजीव कौशल ने इसमें, और मर्सिडीज मर्सर का रोल प्ले करते उनके फादर का रोल था। इसके अलावा प्रोड्यूस आपको हारजीत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो सेमानंद सर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, इंडियन मिलिट्री के फ्रंट बने हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ किरदार देखने को मिलते हैं, उसमें निश्चय काबिज में जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनका रोल प्ले किया हुआ था, गोविंद नामदेव आपको प्ले का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फातमे सना से एक मैंने गांधी का रोल प्ले किया था जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर की इंडिया की। इसके अलावा अन्य श्रीवास्तव जखमस्त राव और रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, अतुल कलानी लागू कुमार आपको विक्की कृष्णा के रोल में डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विवेक बहल ने इसमें सर्वपल्ली राधे कृष्ण का रोल प्ले किया हुआ है, इंडिया की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया, संजय वाई ने साकिब हुसैन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा नारद आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी से भी कुछ किरदार देखने को मिलेंगे, जहां पर मोमन जयूब में इसमें जनरल इमरान खान जो तीसरे पाकिस्तान के और पांचवे कमांडर इन चीफ थे वाकिस आर्मी के, वो रोल उन्होंने प्ले किया था। मोमेंस बार ने इन्होंने जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ थे। इसके अलावा उपेंद्र चौहान इसमें लेफ्टिनेंट अंजन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो गवर्नर थे। रोहन वर्मन ने कैप्टन लिटल जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है जो मनीष के फ्रेंड और लिटल वन फ्रेश पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था। प्रीतिश राज में भी इसमें कुछ किरदार देखने को मिलेंगे, अजवा सोनी इस फिल्म में लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो कर्नल जंगल थे इंडिया के। पॉल ऑस्निल ने जनरल डेविड का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंटन इन्फेंट्री डिविजन कमांडर थे ब्रिटिश आर्मी में थे। रिचर्ड मिशन इसमें कर्नल धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया हुआ जो ब्रिटिश आर्मी में थे, आपको एक किरदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेम जोनीसन हिंदी ने प्ले किया हुआ था, एडवर्ड रॉबर्टसन ने लेटेंट डी स्किल का रोल प्ले किया हुआ था जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ये ब्रिटिश आर्मी कुछ करेक्टर्स है जो देखने को मिले थे। यूएसए स्टेटमेंट में दो किरदार देखने को मिले थे, रिचर्ड बक्टी क्लेन ने कैंथन कंडी का रोल प्ले किया था यूएसए स्टैंडर्ड इंडिया में थे। जेफ्री गोल्डर वर्क प्लेस में हिंदी का रोल प्ले किया हुआ था यूएसए सेक्रेटरी के रेट के तौर पर स्टेट यूएसए कुछ किरदार जो कि नॉन ऑफिशियल का रोल प्ले किया हुआ है और किता आरान को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटर वर्ल्ड इंपैक्ट में भी देखने को मिलता है तनाय और इसदा और जो एक ऑफिसर का रोल था। ये कुछ करेक्टर्स थे जो आपको जापानी आर्मी में भी देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में भी कुछ कास्ट थी फिल्म की जो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2017 में की गई थी, निगला गुजानी इसका आइडिया था सेम मिनिस्ट्री के ऊपर बनाने का और उन्होंने राकेश फिल्म के तौर पर बना लिया था, उन पर भी प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने जो किरदार वो बनाना चाहते थे एक्टर्स के साथ वो काफी ज्यादा एंगेज हुए हुए थे। लेटर कुछ सालों के बाद उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई थी, उसको डेवलप किया गया था और उसको कोलेबोरेशन किया गया राइटिंग में और उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर्स और जसमन ने मीटिंग की हुई थी, प्रॉपर खान को डेवलप किया हुआ था। उसके अलावा सेकंड कोलैबोरेशन गुलजार के साथ में की गई थी और नेशनल अनाउंसमेंट की गई थी इस प्रोडक्शन के लिए। फिल्म को 2021 में अनाउंसमेंट हुआ 107वीं बर्थ पर इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। कास्टिंग दिसंबर 2000 में बताया गया था, काफ़ी सानिया मल्होत्रा इसमें को ज्वाइन करने वाले हैं, इसके बाद उनका जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। इसके अलावा कार्निंग कास्ट ज्वाइन किया हुआ था, 22 मई 2 लहरों के लिए उन्होंने ऑफर किया गया था जिन्होंने गुलजार के साथ सेकंड कोलैबोरेशन किया था। तलवार फिल्म के विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी और उन्होंने एक आर्मी के साथ रिंग रोल प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी, एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के लिए क्योंकि उनके
इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको जो लगेज उनके करियर में आया हुआ उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट उनको लगा है, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी चीज़ें जाया जाए, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे। फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया गया है, पर्सनल थे उनको ही लेकर उन फिल्म की शूटिंग की गई थी। 8 अगस्त 2022 को स्टार्ट की गई थी फिल्म को, तक 13 लोकेशन पर शूट किया गया था। 2 साल के अंदर जब शूट किया गया था, सेम में जितने भी उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए हुए थे, और उन्होंने उसको पुणे और इसमें चंडीगढ़, ऊटी, कन्नौर, देहरादून, कोलकाता, प्रयागराज, श्रीराम और दिल्ली जैसे लोकेशन पर भी शूट किया गया था। 14 मार्च 2023 तक रैपअप किया गया था। उसके बाद डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था, सॉन्ग्स थे वो उनके जरिए कंपोज किए गए थे, वो गुलजार ने लिखे हुए थे। जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर था वो कृति सोडा ने कंपोज किया हुआ था। गाने थे वो शंकर सारलोई ने कंपोज किया था, जो 2022 में किया गया था। 15 मिनट के साथ जी कंपनी वालों ने राइट खरीदे हुए थे, पर अपने स्टूडियो और गानों को रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 4 गाने थे। पहला था बढ़ते चलो, और उन्होंने जी म्यूजिक के जरिए 13 नवंबर 2000 को रिलीज किया गया था। इसको शंकर महादेव ने, दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। जो बंदा गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पर 22 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया था। शंकर मार्टिन ने गाया हुआ था। इतनी सी बात गाने को घोषाल ने गाया हुआ था, और आजा गाने को सिलो जहां ने गाया हुआ था। टोटल 4 गाने थे। इसकी लेंथ 15 मिनट 8 सेकेंड। वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में 27 नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर रिलीज करवाया गया था। ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन दिसंबर में किया गया था, वो 1 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2000 को ऑफिशियल प्रॉपर प्रोडक्शन के तौर पर रिलीज करवाया गया था निर्माला। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेलर रिलीज किया गया था, जहां पर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाले थे। और एनिमल के साथ ये क्लैश भी हो रही थी, बड़ा क्लैश भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त था। इसका जो क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से जो अच्छा रिस्पांस था, फिल्म ने सुपरहिट का टैग लिया हुआ था। डे बाय डे इसने अच्छी कलेक्शन का दिखाई भी थी, जिसके चलते इस फिल्म ने एनिमल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ शोकेस करने का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, और बॉक्स ऑफिस पर भी एक सक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पर इस फिल्म ने सभी एक्टर्स से उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी। साथ साथ विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी, जिन्होंने उसने डायलॉग डिलीवरी की हुई थी, बॉडी लैंग्वेज के साथ डेवलप की हुई थी, जो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे, और उन्होंने मोशन पोर्ट्रेटिज्म वाले जो फिल्म वाले क्रिएट की हुई नजर आई, उनका काम जबरदस्त था। डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था, उसमें डेप कर क्रिएट की हुई थी, उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया था वो जबरदस्त था। अलग अलग पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सभी चीज़ों को हैंडल किया गया था। टेक्निकली फिल्म वर्ल्ड में बनी हुई थी, जो कैमरा वर्क था, जिस तरह से हार्ड डायरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा भी यूज किया गया था वो भी जबरदस्त था। जिस तरह से जो किरदारों को किया गया था वो काफ़ी अच्छा था। बैकग्राउंड स्कोर अच्छे थे और सपोर्ट करते हुए नजर आते, और ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी हिट में गई थी, जिसके चलते क्रिटिक ऑडियंस की तरफ पॉजिटिव रिस्पांस लिया हुआ था। फिल्म ने अच्छा खासा रन भी लिया हुआ था। इस फिल्म को 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था। तब एक मिनिमम 30 करोड़ रिलीज के लिए बड़ी फिल्म के साथ रिलीज हो रही थी, और कम स्क्रीन मिले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी ज़बरदस्त हासिल किया हुआ था और वोट हासिल हुए थे। इसमें 8.2 की रेटिंग हासिल मिली हुई थी। 10 में से पहले दिन इंडिया से सिर्फ 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन सैटरडे के ऊपर अच्छा ग्रोथ दिखाया और जम भी देखने को मिला। 8 करोड़ 9 करोड़ 50 लाख का भी नेट कलेक्शन किया हुआ था। 3 दिनों के अंदर तकरीबन 24 करोड़ का नेट कलेक्शन करके इंडिया से किया हुआ था। इस फिल्म ने मंडे के दिन 3 करोड़ 50 लाख का, और ट्यूजडे के दिन 35 लाख का, और 3 करोड़ का, और थर्सडे को 2 करोड़ 90 लाख का इसने कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते पहला वीक था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, अच्छे से हैंडल किया हुआ था। 35 करोड़ 75 लाख का था। वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम था, लेकिन एक पॉजिटिव मूव था। एनिमल जैसी बड़ी फिल्म में कलेक्शन काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया हुआ था, एक अच्छा स्टडी रन दिखाया हुआ था, जिसके चलते आगे चलकर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पर सेकंड फ्राइडे के ऊपर
तीन करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करके निकाला हुआ था सैटरडे पर, उन्होंने 6 करोड़ 25 लाख का किया हुआ था। सेकंड वीक इसका 16 करोड़ का निकल के आया हुआ था। वीक डे जैसे मंडे के दिन फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था 2 करोड़ 25 लाख का, और ट्यूजडे के पर जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थर्ड वीकेंड में भी 13 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। थर्ड वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा फिल्म का, और उसके बाद में इस फिल्म ने वीक डेज में भी काफी जबरदस्त अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। ये एक सक्सेसफुल साबित हुई जिसको ओटीटी राइट्स से जी नेट वालों ने खरीदे हुए थे। ओटीटी राइट्स से जी फाइव के पास और सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा के पास। तो फिलहाल में अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के पे इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं। सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा के ऊपर सेम बहादुर के नाम से प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर बता दें कि सेम बहादुर फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हैं जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आप बहादुर फिल्म आपको इंजॉय कर सेम बहादुर को इंजॉय कर पाएंगे। सेम बहादुर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फोक ड्रामा फिल्म है, और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर फिल्म मसल यानी सेम मनिक्स के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। उनसे इंस्पायर होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से अलग किया गया है। एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे और ओरिजिनल से, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने, जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक दो बड़ी फिल्में भी दी हुई हैं, जहाँ पर इससे पहले उनकी छपाक आई थी, राजी आई थी, तलवार आई थी, 10 कहानी वाली फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था। स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी, और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजार और सातिन ने काम किया हुआ है। उन्होंने स्क्रू वाला ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ था। इस फिल्म को आरएस में भी प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। फिल्म की लीड कास्ट में भी विकल कोशा, फातिमा सेंगमन और सानिया मोहता देखने को मिलेंगे। टेक्निकल की टीम में सिनेमाटोग्राफी जे आई पटेल ने की हुई है, निकित बेद ने की हुई है, जिन्होंने एक सॉल्स करंट टाइम दिया हुआ है। फिल्म आपको 2 घंटे और 28 मिनट लंबी देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएसए सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट ने किया हुआ सॉन्ग्स हैं वो शंकर सालों ने कंपोज किए हुए हैं। इसके अलावा म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक के पास अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल, जिन्होंने फिल्म मास्टर्स का रोल प्ले किया हुआ है, जो 7th आर्मी स्टार्स के। इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था निक जंगल्स का रोल था, वो जिया का बढ़िया ने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा बॉबी अरोड़ा इस फिल्म में मेजर वॉइस करके इंडियन आर्मी के तौर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आमस बोर को तो इन्हें इसमें आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णा कांत जिन्होंने सूबेदार का बक्सी का रोल भी प्ले किया हुआ है, धनवीर सिंह रिमंदन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अंकुर राजवीर जनरल के तौर पे भी प्ले करते हुए नजर आएंगे, और चोपड़ा ने लेफ्टिनेंट जनरल बिग मोहन का रोल प्ले किया हुआ है। सुतिंस इसमें परमन शिवा प्रभा का रोल मंगलम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पुष्टा सिंह ब्रिगेडियर गुलमतन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जसकार सिरंग गांधी इसमें सुकुआ मेहर खान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये जो आपको कास्ट दिखाई गई है और इंडियन आर्मी में काम की हुई है, इसमें सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए हैं। जो सेम बहादुर यानी जो फैमिली है उसमें सानिया मोहता आपको देखने को मिलेंगी, मनीष कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, उनकी वाइफ का रोल था, राजीव कौशल ने इसमें और मोर्शिज मैसूर का रोल प्ले किया करते हुए उनके फादर का रोल था। इसके अलावा प्रोड्यूस आपको हाजिद का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो सेमानस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, इंडियन मिलिट्री के फ्रंट बने हुए थे। गवर्नमेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ किरदार देखने को मिलते हैं। उसमें निश्चय काबिज में
जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनका रोल प्ले किया था, गोविंद नामदेव आपको प्ले का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फातमे सना से, एक मैंने गांधी का रोल प्ले किया था जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर की इंडिया की। इसके अलावा अन्य श्रीवास्तव, जखमस्ता राव और रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अतुल खलनानी, इलाकों का मार आपको विक्की कृष्णा के रोल में डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विवेक बहल ने इसमें सर्वपल्ली राधे कृष्ण का रोल प्ले किया हुआ है, इंडिया की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया, संध्या राय ने साकिब हुसैन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा नारद आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी से भी कुछ किरदार देखने को मिलेंगे, जहां पर मोमेंट आयु में इसमें जनरल इमरान खान जो तीसरे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे वाकिस आर्मी के, वो रोल उन्होंने प्ले किया था। मोमेंट बार ने इन्होंने जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ था जो पाकिस्तान आर्मी में थे, जो चीफ थे स्टाफ थे। इसके अलावा उपेंद्र चौहान इसमें लेफ्टिनेंट अंजन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो गवर्नर थे। रोहन वर्मन ने कैप्टन लिटल जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है जो मनीष के फ्रेंड और लिटल वन फर्स्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था। प्रीतिश राज में भी इसमें कुछ किरदार देखने को मिलेंगे। अजवा सोनी इस फिल्म में लॉर्ड लॉइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो कर्नल जंगल थे इंडिया के। पॉल ओ'नील ने जनरल डेविड का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंटन इन्फेंट्री डिविजन कमांडर थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। रिचर्ड मिशन इसमें कर्नल धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया हुआ जो ब्रिटिश आर्मी में थे। आपको एक किरदार देखने को मिलेगा ओवरऑल सेम जॉनसन हिंदी ने प्ले किया हुआ था। एडवर्ड रॉबर्टसन ने लेटेंट स्किल का रोल प्ले किया हुआ था जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ये ब्रिटिश आर्मी कुछ करेक्टर्स हैं जो देखने को मिले थे। यूएस स्टेटमेंट में दो किरदार देखने को मिले थे। रिचर्ड बक्टी क्लेन ने कैंथन कंडी का रोल प्ले किया था यूएस स्टैंडर्ड इंडिया में थे। जयफर गोल्ड वर्क प्लेस में हिंदी का रोल प्ले किया हुआ था यूएसए सेक्रेटरी के रेट के तौर पर स्टेट यूएसए। कुछ किरदार जो किसी नॉन ऑफिशियल का रोल प्ले किया हुआ है और किता आरान को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनके वर्ल्ड इंपैक्ट में भी देखने को मिलता है तनाया और इसदा और जो एक ऑफिसर का रोल था। ये कुछ करेक्टर्स थे जो आपको जापानी आर्मी में भी देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में भी कुछ खास थी फिल्म की जो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2017 में की गई थी। निगला गुजानी इसका आइडिया था सेम मिनिस्ट्री के ऊपर बनाने का और उन्होंने राकेश फिल्म के तौर पर बना लिया था। उन पर भी प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने जो किरदार वो बनाना चाहते थे एक्टर्स के साथ वो काफी ज्यादा एंगेज हुए हुए थे। लेटर कुछ सालों के बाद उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई थी, उसको डिवेल्प किया गया था और उसको कोलेब्रेशन किया गया राइटिंग में और उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर्स और जसमान ने मीटिंग की हुई थी। प्रॉपर खान को डेवलप किया हुआ था। उसके अलावा सेकंड कोलैबोरेशन गुलजार के साथ में की गई थी और नेशनल अनाउंसमेंट की गई थी। इस प्रोडक्शन के लिए फिल्म को 2021 में अनाउंसमेंट हुआ 107वीं बर्थ पर। इस फिल्म को अनाउंस किया गया था कास्टिंग दिसंबर 2000 में बताया गया था। काफी सानिया मल्होत्रा इसमें को ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बाद उनका जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। इसके अलावा कार्निन कास्ट ज्वाइन किया हुआ था। 22 मई 2022 के लिए उन्होंने ऑफर किया गया था जिन्होंने गुलजार के साथ सेकंड कोलैबोरेशन किया था। तलवार फिल्म के विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी और उन्होंने एक आर्मी के साथ रिंग रोल प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी, एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के लिए, क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको जो लगेज उनके करियर में आया हुआ उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट उनको लगा है। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी चीज़ें जाया जाए, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे। फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया गया है, पर्सनल थे उनको ही लेकर उन फिल्म की शूटिंग की गई थी। 8 अगस्त 2022 को स्टार्ट की गई थी फिल्म को। तक 13 लोकेशन पर शूट किया गया था 2 साल के अंदर। जैक
शूट किया गया था, सेम में जितने भी उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए हुए थे और उन्होंने उसको पुणे और इसने चंडीगढ़, ऊटी, कन्नौज, देहरादून, कोलकाता, प्रयागराज, श्रीराम और दिल्ली जैसे लोकेशन पर भी शूट किया गया था। 14 मार्च 2023 का रेपअप किया गया था। उसके बाद डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था, सॉन्ग्स थे वो उनके जरिए कंपोज किए गए थे, वो गुलजार ने लिखे हुए थे। जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर था वो कृति सोना ने कंपोज किया हुआ था। गाने थे वो शंकर सारलोय ने कंपोज किया था, जो 2022 में किया गया था। 15 मिनट के साथ जी कंपनी वालों ने राइट खरीदे हुए थे पर अपने स्टूडियो और गानों को रिकॉर्ड किया गया था। टोटल 4 गाने थे। पहला था बढ़ते चलो और उन्होंने जी म्यूजिक के जरिए 13 नवंबर 2000 को रिलीज किया गया था। इसको शंकर महादेव ने दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। जो बंदा गाना था उसको सेकंड सिंगल के तौर पर 22 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया था। शंकर मार्टिन ने गाया हुआ था इतनी सी बात गाने को, घोषाल ने गाया हुआ था और आजा गाने को सिलो जहां ने गाया हुआ था। टोटल 4 गाने थे। इसकी लेंथ 15 मिनट 8 सेकंड। वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में 27 नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर रिलीज करवाया गया था। ये सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन दिसंबर में किया गया था, वो 1 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2000 को ऑफिशियल प्रॉपर प्रोडक्शन के तौर पर रिलीज करवाया गया था नया वाला। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहां पर 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी। और एनिमल के साथ ये क्लैश भी हो रही थी, ये बड़ा क्लैश भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त था। इसका जो क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से जो अच्छा रिस्पांस था, फिल्म ने सुपरहिट का टैग लिया हुआ था। डे बाय डे इसने अच्छी कलेक्शन का दिखाई भी थी, जिसके चलते इस फिल्म ने एनिमल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ शोकेस करने का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी एक सक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पर इस फिल्म ने सभी एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी। साथ साथ विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी, जिन्होंने उसने डायलॉग डिलीवरी की हुई थी, बॉडी लैंग्वेज के साथ डेवलप की हुई थी, जो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे और उन्होंने मोशन पर टूरिज्म वाले जो फिल्मों वाली क्रिएट की हुई नजर आई, उनका काम जबरदस्त था। डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था, उसमें डेप कर क्रिएट की हुई थी, उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया था वो जबरदस्त था। अलग अलग पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलते हैं जहाँ पर सभी चीज़ों को हैंडल किया गया था। टेक्निकली फिल्म वर्ल्ड में बनी हुई थी, जो कैमरा वर्क था, जिस तरह से हार्ड डायरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा भी यूज किया गया था वो भी जबरदस्त था। जिस तरह से जो किरदारों को किया गया था वो काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड स्कोर अच्छे थे और सपोर्ट करते हुए नजर आते, और ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी हिट मिल गई थी, जिसके चलते क्रिटिक ऑडियंस की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया हुआ था। फिल्म ने अच्छा खासा रन भी लिया हुआ था। इस फिल्म को 8 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। तब एक मिनिमम 30 करोड़ रिलीज के लिए बड़ी फिल्म के साथ रिलीज हो रही थी और कम स्क्रीन मिला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी ज़बरदस्त हासिल किया हुआ था और अवार्ड हासिल हुए थे। इसमें 8.2 की रेटिंग हासिल मिली हुई थी। 10 में से पहले दिन इंडिया से सिर्फ 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन सैटरडे के ऊपर अच्छा ग्रोथ दिखाया और जम भी देखने को मिला। 8.9 करोड़ 50 लाख का भी नेट कलेक्शन किया हुआ था। 3 दिनों के अंदर तकरीबन 24 करोड़ का नेट कलेक्शन करके इंडिया से किया हुआ था। इस फिल्म ने मंडे के दिन 3.50 करोड़ का और ट्यूजडे के दिन 35 लाख का और 3 करोड़ का और थर्सडे को 2.90 करोड़ का इसने कलेक्शन किया हुआ था, जिसके चलते पहला वीक था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, अच्छे से हैंडल किया हुआ था। 33.75 करोड़ का था। वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम था, लेकिन एक पॉजिटिव मूव था। एनिमल जैसी बड़ी फिल्में कलेक्शन काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया हुआ था, एक अच्छा स्टडी रन दिखाया हुआ था, जिसके चलते आगे चलकर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। जहाँ पर सेकंड फ्राइडे के ऊपर 3.50 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला हुआ था, सैटरडे पर उन्होंने 6.25 करोड़ का किया हुआ था। सेकंड वीक इसका 16 करोड़ का निकल के आया हुआ था। वीकडे जैसे मंडे के दिन फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था 2.25 करोड़ का और ट्यूजडे के पर, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थर्ड वीकेंड में भी 13 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। थर्ड वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा फिल्म का
और उसके बाद में इस फिल्म ने वीक डेज में भी काफी जबरदस्त अच्छा कलेक्शन किया हुआ था। ये एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिसको ओटीटी राइट्स से जी नेट वालों ने खरीदे हुए थे। ओटीटी राइट्स से जी फाइव के पास और सैटेलाइट राइट्स जी सिनेमा के पास। तो फिलहाल में अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं। सैटेलाइट वर्जन आपको जी सिनेमा के ऊपर सेम बहादुर के नाम से प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर बता दें कि सेम बहादुर फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हैं जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आप बहादुर फिल्म आपको एंजॉय कर सेम बहादुर को एंजॉय कर पाएंगे।